हाय गाइस, आज हम लोग जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज इसका एक क्रैश कोर्स देखने वाले हैं। ये बिगिनर लेवल का है, तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता है जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज के बारे में तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। मतलब कुछ भी नहीं पता, मतलब जीरो नॉलेज है जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज के बारे में, तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को दो लोग ओपन करेंगे, एक जो मेरा सीरीज फॉलो कर रहे हैं यानी कि जेंगो प्लेलिस्ट जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो लोग ये वीडियो देखेंगे। तो आप अगर उनमें से हैं तो आपको कोई इशू नहीं होने वाला है, आप जैसे फ्लो कर फॉलो कर रहे हैं वैसे फॉलो करते रहिए सेम फ्लो में। यानी कि इससे पीछे का जो वीडियो होगा आपने वो देखा होगा, फिर ये देखिए, फिर इसके आगे जाइए, फिर आप जैसे जा रहे हैं वैसे चलते जाइए, आपको कोई इशू नहीं होने वाला है और ये जो रिक्वायरमेंट्स है आपके लिए नहीं है। अब दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं। एक दूसरी कैटेगरी के बंदे बंदियाँ इस वीडियो को देखेंगे, ये लोग सिर्फ जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज सीखने के लिए देखेंगे इसको। यानी कि इन्होंने कहीं से जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज देखा होगा या फिर ये लोग कहीं और से सीख रहे होंगे जेंगो, और इनको जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मे बी इन लोगों ने ये वीडियो ओपन किया। वैसे मेरा मतलब सोचना है, मानना है, तो अगर आप इनमें से हैं तो आपके लिए ये रिक्वायरमेंट्स फॉलो करनी पड़ेगी आपको। अगर आपको ये सारी चीज़ें पहले से आती हैं, आपने करके रखी हुई, तो फिर बढ़िया है, अगर नहीं तो आपको सिस्टम को इस तरीके से सेटअप करना पड़ेगा और ये सारी नॉलेज पहले आपको लेनी पड़ेगी। तो दूसरे टाइप के बंदो बंदियों के लिए ये रिक्वायरमेंट्स हैं। जो मेरा प्लेलिस्ट फॉलो करते हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट्स नहीं है, आप जैसे हैं वैसे चलते रहिए। तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए जो मेरा प्लेलिस्ट फॉलो करते हुए नहीं आ रहे हैं, बीच में से जिसने एंट्री मारी है जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज में, उनके लिए रिक्वायरमेंट्स है कि आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए, तभी आप जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज में काम कर सकते हैं, तभी आप ये पूरा वीडियो फॉलो कर पाएंगे। साथ में आपके सिस्टम में जेंगो इंस्टॉल होना चाहिए, जाहिर सी बात है। इसके अलावा आपको आपके पास कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए जेंगो का, जैसे कि जेंगो का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, जेंगो का एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, कैसे सेटिंग्स डॉट पीआई को एडिट करते हैं, किन किन चीज़ों के लिए क्या क्या हमें कैसे ऐप्स को इंस्टॉल करना होता है, कैसे यूआरएल बनाते हैं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। साथ में हम लोग टेम्पलेट यहाँ यूज़ करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि टेम्पलेट्स कैसे बनाते हैं और टेम्पलेट्स का सेटिंग कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, अगर आपको पता है तो आप इस चीज़ को फॉलो करिए आगे। अब बात करते हैं जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज की। तो जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज क्या है? जेंगोज टेम्पलेट लैंग्वेज इज डिज़ाइन टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन पावर एंड ईज। इट्स डिज़ाइन टू फील कंफर्टेबल टू दोज यूज्ड टू वर्किंग विथ HTML। तो जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज कुछ नहीं है, सिंपल सा एक लैंग्वेज है जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि आप अपने HTML में डेटा को रेंडर कर सकते हैं, डायनेमिक डेटा को रेंडर कर सकते हैं। एक प्रॉपर एग्जांपल अगर मैं आपको जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज का दिखाऊं, तो हम लोग एक टेम्पलेट बनाते हैं, course1.html मेरे टेम्पलेट का नाम है, टेम्पलेट फाइल का नाम है ये। इसमें हम लोग HTML लिखते हैं और यहाँ पर मैंने ये जो लाल कलर में आप देख रहे हैं NM DU ST, और ये कर्ली ओपन कर ली क्लोज, फिर कर्ली ओपन कर ली क्लोज, इसके अंदर में NM, तो ये है हमारा जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज, जिसे शॉर्ट में DTL कहते हैं। अगर आप जेंगो पढ़ रहे हैं, जैसे तब जेंगो पढ़ रहे हैं तभी आप DTL की आपको आवश्यकता पड़ी है, तो हो सकता है कि आपने जिंजा 2 के बारे में भी सुना होगा। जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिल जाता है जेंगो में, लेकिन बहुत से डेवलपर जिंजा 2 यूज़ करते हैं इसके साथ, मतलब इसको भी रखते हैं साथ में जिंजा 2 भी यूज़ करते हैं, और कुछ लोग इसको रिप्लेस कर देते हैं, वो अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी ज़रूरत है। तो जिंजा 2 क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूँ। जिंजा 2 इज़ मॉडर्न एंड डिज़ाइनर फ्रेंडली टेम्पलेटिंग लैंग्वेज फॉर पाइथन। ये भी एक टेम्पलेटिंग लैंग्वेज है फॉर पाइथन, मॉडल्ड आफ्टर जेंगोज टेम्पलेट। ये जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज को देखकर ही बनाया गया है, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस है जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज से। इसमें आपको ज़्यादा फीचर मिलते हैं, ज़्यादा आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलता जेंगो में। जेंगो में बाय डिफ़ॉल्ट हमें जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज मिलता है, जिंजा 2 नहीं मिलता है। लेकिन आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने जेंगो प्रोजेक्ट्स के लिए, उसके लिए आपको पाइथन PIP इंस्टॉल जिंजा 2 इस तरीके से इंस्टॉल करना पड़ता है। देन आपको settings.py में जाकर टेम्पलेट लिस्ट में जाकर वहाँ पर बैकएंड में ये वाला आपको लिखना पड़ेगा, देन DIRS और app.dir जो मैं आपको कोड में दिखा दूंगा, ये आपको सेटिंग्स कुछ चेंज करनी पड़ती है। बट यहाँ पर हम लोग जिंजा 2 के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, यहाँ हमारा मेन कॉन्सेप्ट है जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज। बट मैंने बताया बिकॉज ये दोनों साथ में काफ़ी रिलेट करके डिस्कस किया जाता है, दोनों साथ में काफ़ी यूज़ होता है, इस वजह से मैंने बता दिया, ताकि आपको कहीं सुनने को मिले तो आपको आपके दिमाग का दिमाग इधर उधर भागे ना, बल्कि आपका समझ सही तरीके से क्लियर रहे। अब बात करते हैं हम लोग DTL में वेरिएबल्स की। तो DTL में वेरिएबल्स कैसे आप लिखते हैं? वेरिएबल्स लुक लाइक दिस, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, फिर उसके अंदर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, फिर उसके अंदर आप वेरिएबल लिखते हैं।
When the template engine encounter a variable, it evaluates that variable and replaces it with the result. तो जब भी आप इस तरीके से लिखते हैं अपने HTML कोड में, तो टेम्पलेट इंजन इसको देखता है कि ये क्या है, ये जब भी इसको सर्च, जब टेम्पलेट इंजन आपके HTML को देखेगा तो ये जब उसको मिलेगा तो समझेगा कि ये क्या है, ये एक वेरिएबल है, देन इससे जो भी रिजल्ट इवेलुएट होगा वह जनरेट करके आपके HTML में आपको दिखाएगा, यानी यूज़र को दिखाएगा। कुछ रूल्स हैं वेरिएबल को लिखने के, वह आप ध्यान में रखिए। जैसे वेरिएबल नेम कंसिस्ट ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड द अंडरस्कोर, तो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर या फिर अंडरस्कोर देकर आप कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, इन लोग इनका कॉम्बिनेशन या फिर सिर्फ कैरेक्टर देकर भी लिख सकते हैं। वेरिएबल नेम शुड नॉट स्टार्ट विथ अंडरस्कोर, वेरिएबल नेम अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। वेरिएबल नेम कैन नॉट हैव स्पेस और पंक्चुएशन कैरेक्टर्स, पंक्चुएशन कैरेक्टर्स और स्पेस नहीं होना चाहिए, जैसे फर्स्ट स्पेस नेम, तो उस तरीके का वेरिएबल नेम आप नहीं दे सकते हैं। इसका सिंटेक्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से है, curly open curly close देन curly open curly close, देन उसके अंदर आपको वेरिएबल का नाम लिखना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने curly open curly close देन curly open curly close के अंदर मैं nm लिखा तो ये मेरा एक वेरिएबल हो गया। देन दूसरा एग्जाम्पल curly open curly close फिर curly open curly close के अंदर नेम और यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू मैंने 1 दिया हुआ है तो ये भी मेरा एक वेरिएबल कहलाएगा। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है curly open curly close के अंदर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम तो ये भी मेरा एक वैलिड वेरिएबल नेम कहलाएगा। तो ये होता है वेरिएबल लिखने का तरीका। इस चीज़ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने जेंगो से डेटा पास करते हैं, डायनेमिक डेटा प्रोवाइड करते हैं, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं जो हमारे टेम्पलेट में आता है और जनरेट होता है, इवेलुएट होता है, फिर हमें वो दिखाई देता है हमारे वेब पेज में, फिर यूज़र को दिखाई देता है वेब पेज में। तो ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है एक बार जान लीजिए। डायनेमिक टेम्पलेट फाइल्स, ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है। जो लोग नए हैं, जो लोग इस वीडियो में जंप किए हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है गीगी सोज नाम का। इसको हम लोग रूट प्रोजेक्ट फोल्डर या फिर आउटर प्रोजेक्ट फोल्डर कहते हैं। और यहाँ पर हमारा एक सेम नाम का फोल्डर है, ये इनर प्रोजेक्ट फोल्डर है, इसे हम लोग इनर प्रोजेक्ट फोल्डर कहते हैं। देन यहाँ कोर्स नाम का एक एप्लीकेशन हमने बनाया हुआ है जिसके अंदर ये सारी फाइल्स हैं यहाँ से यहाँ। देन एक फीस नाम का हमने एप्लीकेशन बनाया हुआ है, इसके अंदर भी सेम फाइल होती है, मैंने इसको एक्सपेंड नहीं किया है बिकॉज हमारे पास यहाँ जगह कम है। देन ये जो इनर प्रोजेक्ट फोल्डर है इसके अंदर ये सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं। देन हमारा ये टेम्पलेट फोल्डर है जो कि रूट प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर बनाया गया है। देन टेम्पलेट फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है कोर्स, जो ये इंडिकेट करता है कि इस कोर्स फोल्डर में जो भी हमारा टेम्पलेट फाइल है वह कोर्स एप्लीकेशन से रिलेटेड है। देन फीस नाम का भी हमने एक टेम्पलेट फोल्डर बनाया हुआ है बिकॉज हमारा फीस नाम का एक एप्लीकेशन है और इससे रिलेटेड जो टेम्पलेट फाइल्स होगी वह यहाँ पर है। देन हमारा नीचे यहाँ पर है manage.py। तो ये पूरा इसका इंट्रोडक्शन था जिनको नहीं पता था उनके लिए। अभी हमारा पहला काम क्या है, पहला काम हमारा ये है कि views.py फाइल यानी कोर्स के views.py फाइल में जाना है और हमें यहाँ पर लिखना है व्यू फंक्शन। तो चलिए view.py फाइल में हम लोग चले गए और हम लोग यहाँ पर पहले रेंडर को इंपोर्ट कर लेते हैं बिकॉज हमें रेंडर यूज़ करना है। देन हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया व्यू फंक्शन, इसे हम लोग कहते हैं, फंक्शन का नाम हमने दिया है लर्न अंडरस्कोर जेंगो। देन यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लिख रहा हूँ सी नेम जिसका मैंने वैल्यू दिया जेंगो। देन एक और वेरिएबल ड्यूरेशन जिसका मैंने वैल्यू दिया 4 months। देन एक और बनाया हमने सीट्स जो कि जिसका वैल्यू है 10। और मैंने यहाँ एक डिक्शनरी बनाया हुआ है जेंगो अंडरस्कोर डिटेल्स इक्वल, मैंने ये वाला जो हमारा है उसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और ये इसका की हो गया। देन ये वाला जो है हमने यहाँ पर लिखा, ये इसका की हो गया और ये जो है हमने यहाँ लिखा, ये इसका की हो गया। हम डायरेक्टली जेंगो को यहाँ पर लिख सकते थे, डायरेक्टली हम 4 months यहाँ पर लिख सकते थे, डायरेक्टली 10 यहाँ पर लिख सकते थे, वह भी हमारा सही होता, कोई इसमें इशू नहीं होता। बट मैंने थोड़ा सा सेपरेट किया हुआ है कोड को ताकि आपको कभी भविष्य में ऐसा लिखने ज़्यादा हो तो आपको भविष्य में लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस फंक्शन से रिटर्न करेंगे, रिटर्न लगाएंगे और रेंडर करेंगे। तो रेंडर फंक्शन मैंने यूज़ किया जिसमें हम लोग रिक्वेस्ट देते हैं, ये HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। देन हमारा यहाँ पर टेम्पलेट का नाम होता है, तो टेम्पलेट का नाम मैंने दे दिया, ये जो हमारा टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर कोर्स फोल्डर के अंदर course1.html, यहाँ इसके लिए मैंने यहाँ पर टेम्पलेट का नाम दिया, तो कोर्स फोल्डर के अंदर course1.html तो ये मैंने लिख दिया हुआ है। और जेंगो डिटेल्स यानी कि ये वाला जो हमने डिक्शनरी बनाया है ये वाला हम लोग
कॉन्टेक्स्ट के तौर पर इस टेम्पलेट में पास कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जाएगा देन ये इवेलुएट होगा, कोई भी डिक्शनरी होगा सॉरी कोई भी वेरिएबल होगा तो वह वेब पेज में यूज़र को दिखाई देगा। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा हो गया व्यूज डॉट पी वाई में। अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा टेम्पलेट फाइल है इसमें हम लोग कैसे लिखते हैं टेम्पलेट इंजन का वेरिएबल। तो उसके लिए हमें कहाँ आना है, टेम्पलेट्स फोल्डर, यानी कि ये जो हमारा टेम्पलेट्स फोल्डर है यहाँ पर इसके अंदर कोर्स नाम का जो फोल्डर है यहाँ पर आना है। देन कोर्स 1.html को ओपन करना है, यानी कि इस वाले फाइल को ओपन करना है। देन सिंपल से html का कोड लिखेंगे हम लोग, html लिखा ओपनिंग बॉडी ओपनिंग, और यहाँ पर मैंने h2 लिखा हुआ बॉडी क्लोज और html क्लोज, और मैं लिखा टेक्स्ट कोर्स नेम और nm जो कि ये वाला है चलाएगा यहाँ, और du जो कि ये है यहाँ पर चलाएगा, और st ये है जो कि यहाँ पर चलाएगा। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा यहाँ पर, यहाँ ये क्या है, ये एक डिक्शनरी, तो डिक्शनरी का की आपके HTML में वेरिएबल बन जाता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो आपका पाइथन है या फिर जेंगो में जो आपने कोड लिखा हुआ है इसका डिक्शनरी का की टेम्पलेट लैंग्वेज में यहाँ पर ये वेरिएबल के रूप में बन जाता है। तो ये क्या है, ये हमारा वेरिएबल है। अगर हम लोग इस फाइल को सिर्फ देखें तो यहाँ पर हमने टेम्पलेट लैंग्वेज यूज़ किया, जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज यूज़ किया हुआ, तो ये हमारा क्या है, वेरिएबल है। यही वेरिएबल हमारे इस फाइल में यानी कि पाइथन फाइल में डिक्शनरी का की कहलाता है। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको हमेशा याद रखना है ताकि आप कन्फ्यूज ना हो जब आप बहुत सारे डेटा के साथ काम करते हैं। तो फिर से बता रहा हूँ, आपके डिक्शनरी का की आपके टेम्पलेट लैंग्वेज में वेरिएबल माना जाएगा। ये कब, ये तब जब आप यूज़ कर रहे होते हैं DTL यानी कि जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज। तो हम लोग जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज ही देख रहे हैं, कुछ और नहीं देख रहे हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो जी ये है तरीका। अभी जब ये जनरेट होगा या तो ये जब रेंडर होगा हमारा तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें दिखाई देगा कोर्स नेम, और ये हमारी इवेलुएट होगा, इवेलुएट होने के बाद यहाँ जेंगो चलाएगा तो कोर्स नेम जेंगो दिखाई देगा, फिर ड्यूरेशन डी यू इवेलुएट होगा 4 मंथ्स दिखाई देगा, एस टी इवेलुएट होगा 10 सीट दिखाई देगा। तो कोर्स नेम जेंगो ड्यूरेशन 4 मंथ्स एंड टोटल सीट्स 10, ये हमें देखने को मिलेगा वेब पेज में। चलिए मैं आपको ये क्विकली दिखाता हूँ, शुरू से शुरू करेंगे, थोड़ा सा कोडिंग फास्ट करेंगे और कुछ चीज़ें मैं एक्चुअली फास्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये नए बंदे भी देख रहे हैं, तो धीरे धीरे ही चलते हैं। एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो हम शुरू से शुरुआत करते हैं। नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम हम लोग रख देते हैं क्या, GS13। ओके GS13 मैंने आपको दिया, जब GS13 के अंदर मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे एक एप्लीकेशन क्रिएट करना है, तो मैं CD करके GS13 के अंदर चला गया। मुझे एक क्रिएट करना है एप्लीकेशन, तो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप, और ऐप का नाम होगा कोर्स। चलिए तो मैं आपको ज़रा सा दिखा देता हूँ एक्सपैंड करके। देखिए हमारे पास एक कोर्स नाम का एप्लीकेशन क्रिएट हो गया, और ये हमारा इनर प्रोजेक्ट फोल्डर है, और ये हमारा रूट प्रोजेक्ट फोल्डर है। अभी हमें क्या चाहिए, इसके अंदर हमें चाहिए एक टेम्पलेट नाम का फोल्डर, तो टेम्पलेट नाम का एक फोल्डर मैं बना लेता हूँ। या मैं फीस नाम का एप्लीकेशन नहीं बना रहा हूँ बिकॉज एक एप्लीकेशन से ही हमारा काम हो जाएगा, इसी वजह से MKDIR और टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर हमारा क्रिएट हो गया। अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर हमें इस टेम्पलेट फोल्डर के अंदर बनाना है कोर्स, तो प्लीज टेम्पलेट फोल्डर के अंदर चलते हैं टेम्पलेट्स, और यहाँ MKDIR और कोर्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। तो टेम्पलेट्स के अंदर कोर्स नाम के फोल्डर आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे न्यू फोल्डर तो वैसे भी आप कर सकते हैं, यहाँ भी आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करके राइट क्लिक करके और टेम्पलेट्स का फोल्डर जो हमने MKDIR करके क्रिएट किया वो आप कर सकते थे, या फिर इसके पाथ में जाकर, यानी कि अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, देखिए यह हमारा रूट प्रोजेक्ट फोल्डर, इसके अंदर यहाँ पर आकर भी आप टेम्पलेट्स इस तरीके से न्यू फोल्डर करके टेम्पलेट्स फोल्डर क्रिएट कर सकते थे। टेम्पलेट फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करके कोर्स वाला इस तरीके का फोल्डर क्रिएट कर सकते थे, डेट इज़ आपकी मर्जी। तो ये तो हमने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, इन सभी को अभी हमें क्या करना है, सेटिंग करना है। तो सेटिंग हम लोग पहले क्या करेंगे, settings.py फाइल में चलते हैं, फिर तो मैं इससे बाहर चलाता हूँ वरना मैं भूल जाऊँगा, और इसको क्लियर कर देते हैं, इसको कर देता हूँ हमें कट। अभी फ़िलहाल के लिए हमें क्या करना है, हमें हमारा सबसे पहला काम है हमारा जो एप्लीकेशन हमने बनाया है कोर्स नाम का उसको इंस्टॉल करना, तो चलिए इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर आना है इस लिस्ट वेरिएबल में, देन यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन का नाम लिखना है जो कि मेरे केस में कोर्स है। कौन सा नाम लिखा कोर्स मैंने ये वाला नाम लिखा हुआ, देखिए हमारा एप्लीकेशन फोल्डर का नाम
ये कोर्स मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद लिख लेता हूँ मैं ज़रा। इसके बाद हमारा जो टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर है इसको हमें ऐड करना है सेटिंग शूट पी फाइल में। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम लोग एक बनाते हैं वेरिएबल टेम्पलेट अंडरस्कोर dir और यहाँ पर os.path.join और यहाँ पर base.dir.comma और यहाँ पर टेम्पलेट्स होपली सबका स्पेल मैंने ठीक लिखा होगा। उसके बाद ये वाला सिंपली हमें कॉपी करना है और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। देखिए हमारा टेम्पलेट्स नाम का जो ये लिस्ट है जिसमें ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, ये हमारा डिफ़ॉल्ट हमें मिलता है, बिल्ट इन हमें मिलता है, जिस जो कि हमारा है Django टेम्पलेट लैंग्वेज। ओके, तो यहीं पर हमें ये जो DIRS है यहाँ पर हमें इसको पेस्ट करना था अपने वेरिएबल को। अगर जिंजर टू आप यूज़ करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, जिंजर टू यूज़ करने के लिए आपको एक और, ये तो डिफ़ॉल्ट जो है आपका उसको आप रहने देते हैं बिकॉज ये कुछ एप्लीकेशन है जिनके साथ इसका यूज़ किया जा सकता है या फिर किया गया होगा, इसको हटाना नहीं है बल्कि यहाँ पर आपको एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। और आपको सिंपली मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं ये तीन कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, इसको बैक करता हूँ और इसको हटा दूँगा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ पर सिंपली मैं लिख दूँगा जिंजर टू का जो था कोड, जैसे कि Django डॉट टेम्पलेट डॉट बैक इंड्स जिंजर टू डॉट जिंजर टू। तो ये आपको बैकएंड में ये वाला लिखना है, आप एक बार देख लीजिएगा मैंने जो स्लाइड में बताया था वह स्पेल सब सही है या नहीं इसी फॉर्मेट में, उसके बारे में आप कन्फर्म कर लीजिए, लेकिन आपको यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ लिखने के बाद बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। आप यहाँ पर ये टेम्पलेट्स DIR लिखने के बजाय अगर आप जिंजर टू यूज़ करते हैं तो आपको सिंपली यहाँ सिर्फ यहाँ पर लिखने का है, बस इतना ही करना है। बट हमें जिंजर टू यूज़ नहीं करना है तो मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, मैंने इसको हटा दिया और हमारा यही हमें यूज़ कर, ओके हमारा मिस्टेक हो गया जी, हमें इसको कॉपी कर लेना ही अलग वेरिएबल, वरना फिर मुझे ऊपर जाना पड़ेगा और मैं जाना नहीं चाहता। तो हमें जिंजर टू यूज़ नहीं करना है, मैं इसको हटा देता हूँ और सिंपली यहाँ पर हम लोग अपना डिफ़ॉल्ट वाला यूज़ करेंगे टेम्पलेट्स अंडरस्कोर DIR। मैंने यहाँ पर इसको पाथ दे दिया। DIRS यहाँ क्या करता है, ये इंजन देखता है कि कहाँ पर उसको टेम्पलेट्स फाइल को सर्च करने का है, सोर्स फाइल इसको कहाँ से मिलेगा। तो हमने यहाँ पर उसको एक पाथ दे दिया हुआ है जहाँ पर वो सर्च करेगा और एप्लीकेशंस में भी जाकर सर्च करेगा, यानी कि सब डायरेक्टरी में भी जाकर सर्च करेगा इंजन, टेम्पलेट इंजन, जहाँ से उसको टेम्पलेट्स फाइल मिलने वाली है। तो ये हमारा सेटअप यहाँ से हो जाता है, यानी कि हमारा जो टेम्पलेट है उसको हमने ऐड कर दिया सेटिंग शूट पी फाइल में, इतना हमारा काम हो गया। अभी हमें यहाँ पर एक बार मैं ऊपर से देख लेता हूँ ज़रा, यहाँ पर हमारा ये भी ठीक है, चलिए ये सब कुछ हमने ठीक ठाक लिख दिया हुआ है। अभी हमें क्या करना है, हमें views.py फाइल में जाना है यहाँ पर, यानी कि एप्लीकेशन के views.py फाइल में, और यहाँ पर हमें बनाना है एक छोटा सा फंक्शन def learn Django, ये हमारा फंक्शन हो गया। उसके बाद हम लोग cname जो हमने अभी देखा था अपने PPT में वही मैं बना रहा हूँ, cname then duration ये, फिर मैं आपको सिंपल एक पहले बनाकर दिखाता हूँ फिर आपको धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे बड़ा सा तो हमारा ज़्यादा हमें समझ में आएगा, धीरे धीरे मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। एक बहुत ही बेसिक सा हम लोग एग्जांपल देखते हैं, रिटर्न डायरेक्ट यहीं पर करता हूँ मैं, रिटर्न रेंडर। अभी देखिए रेंडर फंक्शन आपको पता होना चाहिए, हमने अपने प्लेलिस्ट में फॉलो किया तो आपने अगर कहीं बीच में से एंट्री मारा हुआ इस वीडियो में तो मे भी आपको पता ना हो कि रेंडर फंक्शन कैसे काम कर रहा है क्या कर रहा है, तो आपको मेरा प्लेलिस्ट शुरू से देखना पड़ेगा। सो रिक्वेस्ट मैंने लिखा, देन हमारे यहाँ पर ये हो जाएगा टेम्पलेट का नाम, टेम्पलेट हमारा कहाँ पर है, ये टेम्पलेट हमारा टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर, कोर्स फोल्डर के अंदर, यहाँ पर हमें एक फाइल क्रिएट करना है। तो न्यू फाइल, इसका नाम रखेंगे हम लोग course1.html। ओके, तो हम लोग इसमें बाद में लिखेंगे कोड, पहले यहाँ पर व्यू फंक्शन बना लेते हैं कोर्स लिखना है, देन course1.html हमने टेम्पलेट लिख दिया। अभी यहाँ से हम लोग अपना कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट आप इस तरीके से लिख सकते हैं कॉन्टेक्स्ट इक्वल, देन यहाँ पर एक ये डिक्शनरी, हमेशा ये डिक्शनरी लेता है। आप अपना वैल्यूज़ किस फॉर्मेट में बनाते हैं वो परवाह नहीं है, बट यहाँ पर ये एक डिक्शनरी होना चाहिए। तो ये डिक्शनरी है एक NM की हो गया और इसका वैल्यू हम देंगे Django।
अभी ये लिखना ज़रूरी नहीं है कॉन्टेक्स्ट, तो इसको मैं हटा देता हूँ, लिखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ये ज़रूरी नहीं है। तो उसको मैंने क्या किया, मैंने हटा दिया। अब इसमें हमें एक एरर मिल रहा है कि रिक्वेस्ट हमने नहीं दिया हुआ था, हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट दिया हुआ नहीं है, इसलिए हमें एक एरर दे रहा है। तो रिक्वेस्ट हमने लिख दिया, ये एरर हमारा चला गया। अभी हमने व्यू फंक्शन बना दिया, व्यू फंक्शन बनाने के बाद हमें यहाँ पर टेम्पलेट बनाना है, बट इससे पहले हम लोग इसके लिए URL डिफाइन कर देते हैं। तो URL डिफाइन करेंगे हम लोग एप्लीकेशन में ही, हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं, बट हम लोग अपना जो हमारा बेस्ट प्रैक्टिस है उसको लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर एक हम लोग राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल और urls.py, और इस फाइल में हम लोग इस सेटिंग्स डॉट सॉरी यहाँ हम लोग इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जो URLs है यहाँ पर गए, और सिंपली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ कॉपी कर लिया। कॉपी करने का सकता नहीं थी, बट कोड कौन लिखे बार बार, हमें बस ये यहाँ पर चाहिए था, तो मैं इसको यहाँ पर ले आया। यहाँ पर हम लोग इसको मैं हटा देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ, पाथ लिखना है, देन हम लोग इसमें URL नेम देंगे अपने फंक्शन के लिए। तो लर्न डीजे हमने दिया URL नेम, और ये हिट होगा तो हमारा कौन सा फंक्शन चलेगा, व्यूज मॉड्यूल का कौन सा फंक्शन, learn_django। अब एक इशू यहाँ पर ये है कि व्यूज़ पता नहीं है कि कौन है यहाँ पर व्यूज़ को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो फ्रॉम करंट डायरेक्टरी, बिकॉज सेम डायरेक्टरी में हमारा कोर्स डायरेक्टरी में ही हमारा व्यूज़ भी है और हमारा url.py भी है, तो सेम डायरेक्टरी है, तो डॉट लिख कर करंट डायरेक्टरी में लिखा, फिर यहाँ से इंपोर्ट कर लो किसको, व्यूज़ को, और इसको सेव कर दिया, ये हमारा एरर ख़त्म। तो जब भी ये URL हिट होगा तो ये फंक्शन रन करेगा, जो फंक्शन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये फंक्शन हमारा कॉल होकर जब इसका एग्जीक्यूशन है वो होकर यूज़र को दिखाई देगा। तो ये तो हो गया, URL हमने ये डिफाइन कर दिया। अभी हमें मेन URL यानी कि इनर प्रोजेक्ट फोल्डर में जो हमारा url.py फाइल है यहाँ पर आना है, और यहाँ पर हमें इसके लिए URL को इंक्लूड करना पड़ेगा। इंक्लूड करने के लिए पहले यहाँ इंक्लूड को इम्पोर्ट कर लेते हैं, देन यहाँ पर हम लिखेंगे पाथ, और इसका एक URL नेम देंगे, मैं कोर जो शुरू से हम लेकर चल रहे हैं वही लिख देता हूँ, इंक्लूड, और यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा course.urls। ये हमने course.urls क्या लिखा, कोर्स हमारा ये वाला प्रोजेक्ट सॉरी एप्लीकेशन फोल्डर का नाम, और यू इसके अंदर है URLs फाइल पैकेज के अंदर ये वाला मॉड्यूल, तो हमने ये लिखा हुआ है। ओके, देन इसको हम लोग कॉमा देकर सेव करते हैं, और ये हमारा काम करते हैं। इसमें हम लोग अब दोबारा हम लोग नहीं आएंगे, तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। इस URL में भी हमें नहीं आना है, इसमें भी हम लोग क्लोज़ कर देते हैं, हम लोग इसमें और इसमें देखेंगे। अब हमारा ज़्यादा काम बचा हुआ नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आते हैं और सिंपल से बेसिक HTML का कोड लिखता हूँ मैं, एमिट के थ्रू मैंने ये लिखा। देन स्टाइल में हम लोग मैं इसे चेंज कर देता हूँ Django। पहला ऑप्शन मतलब पहला एग्जांपल है ये हमारा एग्जांपल नंबर 1, ये वाला हमें रीड करना है। तो ये कॉन्टेक्स्ट यहाँ पास होगा टेम्पलेट में, देन यहाँ ये देखिए ये डिक्शनरी है, और इस डिक्शनरी का की है nm हमारे टेम्पलेट के लिए यानी कि टेम्पलेट लैंग्वेज के लिए यहाँ वेरिएबल बनेगा। तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं इसके लिए h3, मैं लिखता हूँ h3 के अंदर हेलो, और यहाँ पर कर्ली ओपन कर ली क्लोज, फिर कर्ली ओपन कर ली क्लोज, और यहाँ पर लिखना है nm वेरिएबल का नाम। तो ये nm इवेलुएट होगा, और इसका जो भी वैल्यू होगा जैसे कि यहाँ पर Django है, तो Django हमारा हमें स्क्रीन पर यूज़र जब रन करेगा तो दिखाई देगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको हम लोग करेंगे जी रन, तो पहले टर्मिनल ओपन करते हैं, देन सर्वर रन करेंगे, python manage.py और रन सर्वर, इंटरप्रेस किया, होपफुली कोई एरर ना हो। चलिए कोई एरर नहीं है, इसको रन करते हैं। हमारा रन किस में होगा, रन होगा हमारा पहले इस URL में जाएगा, तो ये कोर को देखेगा, कोर जब देखेगा तो ये कहेगा कि नहीं इसमें जाना पड़ेगा आपको, तभी मिलेगा। तो कोर ये हमारा एक URL हो गया, मतलब इसके आगे फिर अपेंड होगा ये वाला यानी कि learn_dj, देन ये हमारा फंक्शन कॉल होगा। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट है इसका। ओके, इसको नीचे कर देता हूँ मैं ये टर्मिनल को। ये मैंने वेब पेज ओपन किया हुआ है, गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हुआ है, ये वेब पेज हमारा ओपन अभी 404 का दे रहा है, बिकॉज ये जो एड्रेस इस पे हमने कोई भी URL सेट नहीं किया हुआ है। हमारा जो URL है वो core/learn_dj यहाँ पर है, तो हमें हेलो Django देखिए इवेलुएट होकर Django वैल्यू दिखाई देता है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, देखिए हेलो Django दिखाई दे रहा है। ओके जी, तो ये पहला एग्जांपल था हमारा इजी सा। अभी मैं आपको धीरे धीरे आगे बड़े बड़े एग्जांपल दिखाऊंगा, तो दिल थाम कर बैठे रहिए।
अब देखिए दूसरा एग्जांपल, इसमें हम लोगों ने ये वाला देखा, मैं पूरा का पूरा यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको क्लीन हर बार समझ में आए। नेम एक वेरिएबल बनाएंगे जो हमने अभी स्लाइड में देखा था, वही मैं दिखा रहा हूँ आपको, नेम जेंगो, देन ड्यूरेशन इक्वल फोर मंथ्स, देन सीट्स इक्वल, ये हमारा एक इंटीजर है तो इसको 10 ऐसे ही लिख सकते हैं। देन ये सारे हमने वेरिएबल्स बनाए हुए, इनको हम लोग एक डिक्शनरी में डालेंगे पहले। तो जेंगो अंडरस्कोर डिटेल्स इक्वल, ये हमारा बनेगा की एनएम, जिसका वैल्यू बनाएंगे हम लोग इस वेरिएबल को, यानी कि अल्टीमेटली ये जेंगो बनेगा इसका वैल्यू। तो हमने इसको यहाँ लिख दिया। फिर एक और की हमारा डीयू ड्यूरेशन के लिए, देन हमारा ये ड्यूरेशन। फिर एक और की चाहिए हमें तो एसटी, और इसके लिए सीट हमारा बन जाएगा वैल्यू। तो जेंगो चलाएगा यहाँ पर, देन फोर मंथ्स चलाएगा ड्यूरेशन में, और 10 चलाएगा यहाँ पर। तो वही हमने लिखा बस अलग तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हमने लिख दी, डिक्शनरी वगैरह सब कुछ हमने बना लिया। अभी हमें रेंडर करवाना है इसको, यानी कि इस कॉन्टेक्स्ट को हम लोग पास करेंगे टेम्पलेट फाइल में, या इस कॉन्टेक्स्ट को हम लोग रेंडर करवाने वाले हैं। तो टर्म बहुत सारे हैं जेंगो में, कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं है, जो चाहे आप बोल सकते हैं। तो रिटर्न रेंडर हमने लिखा, यहाँ रिक्वेस्ट होगा तो रिक्वेस्ट हमने दे दिया। और हमारा जो टेम्पलेट है वह है कोर्स फोल्डर के अंदर, कहाँ, कोर्स 1.html में, तो हमने ये लिख दिया। ओके, हमने इसको क्वार्ट्स के अंदर में नहीं लिखा हुआ है जी, कोर्स के अंदर में लिखना पड़ेगा। तो ये हमने कट किया और ये क्वार्ट्स के अंदर में हमने लिख दिया। देन हमारा ये जो हमारा डिक्शनरी है जेंगो डिटेल्स, ये हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा डिक्शनरी होना चाहिए, जो कॉन्टेक्स्ट होता है। ये क्या है, कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पर आप कॉन्टेक्स्ट इक्वल ऐसे लिख सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है, नहीं भी लिखते हैं तो भी चलता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट जो होगा हमेशा डिक्शनरी होगा। यहाँ पर आप किस तरीके से वैल्यू बना रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये यहाँ पर डिक्शनरी के फॉर्म में होना चाहिए। इधर आपका ये लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, जो मर्जी वो बना लीजिए, बट यहाँ पर ये डिक्शनरी के फॉर्म में ही रेंडर होगा आगे। तो ये कुछ ध्यान, तो ये हमारा जेंगो चला जाएगा, जेंगो डिटेल्स हमारा जाएगा टेम्पलेट फाइल यहाँ पर। मैंने आपको कहा था कि आपका जो भी डिक्शनरी होगा उसका जो की होगा वह इसका वेरिएबल बनेगा। तो nm एक वेरिएबल है, वह तो बनेगा। दूसरा इसका की है du, तो इसका du भी एक वेरिएबल हमें यहाँ मिल जाता है। देन st एक की है, तो ये भी हमें यहाँ वेरिएबल के तौर पर मिलेगा। तो इसको लिखना कैसे है प्रॉपर तरीके से देखिए, लिखता हूँ नेम, आपको प्रॉपर एक आइडिया मिलेगा। नेम ये nm हमारा रेंडर होगा, इवेल्युएट होगा, तो इसमें मिल जाएगा जेंगो। इसके बाद ड्यूरेशन ये टेक्स्ट है, और इसका हम लोग लिखेंगे du, तो इससे हमें ड्यूरेशन इवेल्युएट होकर मिलेगा। देन टोटल सीट्स कितनी हैं, ये हमें इवेल्युएट होकर मिलेगा। किससे, ये हमें मिलेगा एस टी वेरिएबल से। इसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद इसको, ये एग्जांपल 2 है हमारा, ध्यान रखिएगा। देन इसको करेंगे हम लोग जी रन, तो हमें यहाँ मिल जाएगा नेम जेंगो इवेल्युएट होकर nm का, ड्यूरेशन 4 मंथ्स इवेल्युएट होकर du का, और टोटल सीट्स इवेल्युएट होकर 10 st वेरिएबल का। तो ये हो गया दूसरा एग्जांपल हमारा। वेरिएबल से रिलेटेड इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, और मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल ऐसे थोड़ा सा मुश्किल, बट इसमें अब हम लोग इंक्लूड करते हैं फिल्टर्स को, कि फ़िल्टर क्या होता है और फिल्टर का कैसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने टेम्पलेट फाइल में, टेम्पलेट लैंग्वेज में, यानी कि जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज में फ़िल्टर क्या होता है। फिल्टर्स, व्हेन वी नीड टू मॉडिफाई वेरिएबल बिफोर डिस्प्लेइंग वी कैन यूज़ फिल्टर। तो जो भी वेरिएबल आपने दिया, जैसे nm दिया, तो जेंगो मेरा डिस्प्ले हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जेंगो डिस्प्ले होने से पहले कुछ उसमें फ़िल्टर लगे, उसके बाद वो डिस्प्ले हो, तो उस केस में हम लोग ये वाला फ़िल्टर यूज़ करेंगे। ये वाला फ़िल्टर में सर बहुत सारे फ़िल्टर हैं, इसमें करीब बहुत सारे हैं, गिना तो मैंने नहीं, लेकिन बहुत सारे हैं, 50 से भी ज़्यादा होंगे, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं उसको मैं बताऊँगा आपको। तो उन फिल्टर्स का आप यूज़ कर सकते हैं, एग्जांपल देखिएगा तो आपको और समझ में आ जाएगा। इसके लिए हम लोग पाइप जो होता है, पाइप साइन, जो कि आपको मिल जाएगा कीबोर्ड में इंटर की से ऊपर, बैक स्पेस से नीचे वाला, यानी कि इंटर और बैक स्पेस के बीच में जो की होता है उसको हम लोग पाइप साइन बोलते हैं। ऐसा सीधा डंडा जैसा रहता है, वह आपको यूज़ करना पड़ता है फ़िल्टर लगाने के लिए।
इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से, आप वेरिएबल लिखिएगा जैसे हम लोग सिंपली वेरिएबल लिखते हैं वैसे, पहले तो कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, देन उसके अंदर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, देन वेरिएबल, देन इस वेरिएबल में आपको फिल्टर लगाना है तो पाइप सिंबल इस तरीके से पाइप साइन देना है, उसके बाद आपको फिल्टर लगाना है, जो भी फिल्टर आपको लगाना है। क्या क्या फिल्टर होता है, बहुत सारे फिल्टर हैं, जैसे मैंने कहा 50 से भी ज़्यादा फिल्टर हैं, बट कुछ फिल्टर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक वेरिएबल है नेम, या फिर NM भी आप कह सकते हैं, यहाँ के लिए हम लोग नेम मान लेते हैं। तो नेम नाम का हमारा एक वेरिएबल है, इस पर मैंने फिल्टर लगाया है अपर। अपर क्या करता है, ये इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगा, मान लीजिए कि जेंगो है, जेंगो को आपने स्मॉल केस में लिखा है तो अपर उसको अपर केस में कर देगा, देन दिखाएगा वेब पेज में। मतलब आपने जो कॉन्टेक्स्ट जो पास किया अपने व्यूज व्यू फंक्शन से, उसमें नेम का जो वैल्यू है जेंगो वो स्मॉल लेटर में था, बट अब चाहते हैं कि ये वेब पेज में कैपिटल में दिखे, तो उसको डिस्प्ले करने से पहले, यानी कि वेब पेज में वो दिखे उससे पहले आप उसमें फ़िल्टर लगाकर अपर फिल्टर लगाइए, वो स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर में हो जाएगा और आपको वेब पेज में कैपिटल लेटर में दिखाई देगा। तो ये काम है फिल्टर्स का, फिल्टर्स बहुत सारे हैं। इसके अलावा फिल्टर में और क्या कर सकते हैं आप, सम ऑफ फिल्टर्स टेक्स आर्ग्यूमेंट्स। तो कुछ फिल्टर ऐसे हैं, सभी नहीं, कुछ फिल्टर ऐसे हैं जिनमें आप आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हैं। सिंटेक्स वेरिएबल लिखा, देन पाइप साइन देना है, फिल्टर लगाना है, देन कॉलन देकर आप यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल, मेरा आर्टिकल एक वेरिएबल है, मैंने ये कॉन्टेक्स्ट से मेरा पास हुआ है आर्टिकल, मेरे व्यू फंक्शन से आया होगा। उसमें मैंने ट्रंकेट वर्ड नाम का एक फिल्टर लगाया जो कि ट्रंकेट करेगा, यानी कि बहुत सारे वर्ड हैं तो उसमें से कुछ वर्ड को ट्रंकेट कर देगा। कितने को करेगा वो मैंने यहाँ लिख दिया कि 40 वर्ड को ट्रंकेट कर दो। 40 हालांकि बहुत ज़्यादा है, लेकिन आर्टिकल के लिए 40 ज़्यादा नहीं है। तो अगर 150 वर्ड है, 150 अगर वर्ड है मेरे आर्टिकल वेरिएबल में, मेरा अगर बहुत सारे सेंटेंस लिखा हुआ है और उसमें कुल मिलाकर अगर 150 वर्ड है तो उसमें से 40 ट्रंकेट होगा और वही आपको वेब पेज में दिखाई देगा। देन नेक्स्ट फिल्टर में आप क्या कर सकते हैं, फिल्टर कैन बी चेंज्ड, यानी कि एक फिल्टर के बाद दूसरा फिल्टर लगा सकते हैं। सिंटैक्स इसका कुछ इस तरीके से है कि एक वेरिएबल है जिसमें हमने एक फिल्टर लगाया लेकिन हमारा फुलफिल नहीं हो रहा, हमारा जो हमें जो चाहिए वो नहीं हमें फुलफिल हो रहा, हमें एक और फिल्टर लगाना है, तो आप फिर से पाइप साइन लगाइए और एक फिल्टर लगाइए। अगर आपको और चाहिए तो फिर से पाइप साइन, फिर फिल्टर लगाइए, फिर से पाइप साइन, फिर से फिल्टर लगाइए, जितनी मर्जी उतनी आप चेन बना सकते हैं। सेम इसमें आप आर्ग्यूमेंट्स भी लगा सकते हैं, बट इसका एक नॉर्मल सा पहले एग्जांपल देखते हैं। देखिए आर्टिकल देन अपर, ये इसमें हमने एक फिल्टर लगाया हुआ है, अभी एक से ज़्यादा का फिल्टर लगाना हो तो आर्टिकल अपर, यानी कि आर्टिकल में जो भी वर्ड्स होंगे करेक्टर होगा उसको पहले अपर केस में कन्वर्ट किया जाएगा। देन उसमें हमने फिर से एक और फिल्टर लगाया है ट्रंकेट वर्ड का, फिर इसको ट्रंकेट किया जाएगा जिसमें हमने आर्ग्यूमेंट दिया है 40, यानी कि कोई आर्टिकल है जिसमें स्मॉल लेटर में बहुत सारे वर्ड लिखे गए हैं, करीब 150 वर्ड्स, उसको पहले अपर केस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा यानी कि कैपिटल लेटर में, देन उसमें से 40 वर्ड को ट्रंकेट किया जाएगा और वो आपको वेब पेज में देखने को मिलेगा। तो ये हो गया जी हमारा फिल्टर का अलग अलग तरीके का यूज़। अभी फिल्टर्स देखते हैं, फिल्टर्स का एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहला फिल्टर जो हम लोग देखेंगे होगा कैप फर्स्ट, इट कैपिटलाइज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वैल्यू, इसमें जो भी वैल्यू देंगे यानी कि जो भी वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगा उसके फर्स्ट कैरेक्टर को ये कैपिटलाइज कर देगा यानी कि बड़ा कर देगा। इफ द फर्स्ट कैरेक्टर इज नॉट अ लेटर दिस फिल्टर हैज नो इफेक्ट, अगर फर्स्ट लेटर उसका कैरेक्टर नहीं है यानी कि अल्फाबेट नहीं है तो इस फिल्टर का उसमें कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, आपको वैल्यू लिखना है यानी कि जो भी वेरिएबल होगा वह लिखना है, देन फिल्टर देना है, फिल्टर के लिए पाइप सेंड देना है और आपको कैप फर्स्ट लिखना है यानी कि जो भी फिल्टर का नाम है वह आपको लिख देना है। इसी तरीके से एक और फिल्टर दिखाता हूँ, डिफॉल्ट है, इफ़ वैल्यू इवैल्यूएट्स टू फॉल्स यूजेस द गिवन डिफॉल्ट अदरवाइज यूज द वैल्यू। इसमें क्या है, जो वैल्यू यानी कि जो वेरिएबल होगा अगर वह फॉल्स इवैल्यूएट होता है तो इसमें जो डिफॉल्ट आप देंगे वह डिफॉल्ट यूजर को दिखाई देगा, अदरवाइज जो भी वैल्यू में रहेगा वह दिखाई देगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे वैल्यू में या फिर कोई वेरिएबल है ये, इसमें कुछ भी वैल्यू होगा उस वैल्यू में डिफॉल्ट लगाना है फिल्टर और डिफॉल्ट के लिए एक आर्ग्यूमेंट देना है नथिंग, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं। यह तब दिखाई देगा जब वैल्यू आपका फॉल्स इवैल्यूएट होगा, अगर ये ट्रू है फिर ये नहीं दिखाई देगा, नथिंग ये नहीं दिखाई देगा, ठीक यही दिखाई देगा। लेकिन अगर ये फॉल्स इवैल्यूएट होता है तो फिर ये जो डिफॉल्ट सेट करेंगे वह वेब पेज में देखने को मिलेगा। इसका एक यूज़ केस मैं आपको बता सकता हूँ कि
आप कोई साइट में लॉग इन करते हैं तो आप ऐसे ही लॉग इन करते हैं तो लिखा 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 हुआ रहता है वेलकम गेस्ट, लेकिन अगर आप लॉग इन करते हैं तो आपका नाम दिखाई देता है कि वेलकम जो भी आपका नाम है। तो वही आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं कि अगर लॉग इन है तो ये ट्रू हो जाए और जो भी वैल्यू होगा वह दिखाई देगा, या फिर इसको ऐसे ऐसे यूज़ किया जा सकता है कि ये लॉग इन नहीं होगा तो ये फॉल्स होगा और वेलकम यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट गेस्ट होगा वह गेस्ट आपको दिखाई देगा, फिर आप वेलकम गेस्ट भी लिख सकते हैं। तो ये यूज़ केसेस हैं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगी कि क्या फ़िल्टर मुझे लगाना है। इसका एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इफ़ वैल्यू इज़ एम्प्टी, एम्प्टी स्ट्रिंग, अगर वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग यानी कुछ भी वहाँ से पास नहीं किया जाता है कॉन्टेक्स्ट से, देन इस केस में भी ये डिफ़ॉल्ट आउटपुट देगा यानी कि नथिंग आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। तो ये फॉल्स हो और एम्प्टी स्ट्रिंग हो तो उस केस में जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा वह वेब पेज पर रेंडर होकर देखने को मिलेगा। एक और मैं आपको दिखाता हूँ, देन हम लोग एग्जाम्पल में चलेंगे। एक और है हमारा लेंथ, इट रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द वैल्यू, इसमें ये वैल्यू में जो भी वैल्यू का जो भी लेंथ होगा वह रिटर्न कर देगा। दिस वर्क्स फॉर बोथ स्ट्रिंग्स एंड लिस्ट, तो ये स्ट्रिंग के लिए भी काम करेगा यानी कि स्ट्रिंग आता है तो, और लिस्ट है तो लिस्ट के लिए भी काम करेगा। द फिल्टर रिटर्न्स जीरो फॉर एन अनडिफाइंड वेरिएबल, अगर वेरिएबल अनडिफाइंड रहता है तो उस केस में ये जीरो रिटर्न करता है। एग्जाम्पल के तौर पर वैल्यू लिखा या वेरिएबल हो सकता है यहाँ पर जिसका एक वैल्यू होगा और फिल्टर लगाना है लेंथ, तो ये इसमें काउंट करके बता देगा कि इसका कितना लेंथ है और वह आपको वेब पेज में देखने को मिलेगा। एक और देख लीजिए, लोअर, ये कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग को लोअर केस में, अगर आपका अपर केस में है तो लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। एग्जाम्पल के लिए वैल्यू 5 sin देन लोअर, देन इसी के अपोजिट है अपर, जो हमने देखा था अपर केस में वो कन्वर्ट करेगा, ये लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। तो और भी हमारे पास हैं फिल्टर्स, बहुत सारे हैं एक्चुअली में, तो सब तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट जो है सभी को दिखाता हूँ। यहाँ देखने से अच्छा है कि हम लोग चलिए कोड में देखते हैं तो वहाँ हमें आउटपुट देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारा, यहाँ बस मैं आपको थोड़ा सा कंफर्ट करना चाहता था इसलिए मैंने स्लाइड में आपको दिखाया था। चलिए कोड में चलते हैं, यहाँ से हम लोग ये गायब कर देते हैं, ये हम लोग अभी लिखेंगे, और व्यूज डॉट पी आई फाइल में यहाँ पर आते हैं और ये गायब कर देते हैं, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक गायब कर देता हूँ मैं। अभी सिंपल सा हमारा एक व्यू फंक्शन है जिसमें हम लोग रिटर्न रेंडर और यहाँ पर रिक्वेस्ट और हमारा क्या है जी course/course1.html, ये हमारा टेम्पलेट फाइल है, हमने लिख दिया। और यहाँ पर मैं डायरेक्टली यहाँ से पास कर रहा हूँ डिक्शनरी कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट यहाँ से डायरेक्टली लिख रहा हूँ। आप चाहें तो यहाँ एक वेरिएबल बनाकर फिर उस डिक्शनरी को यहाँ लिख सकते हैं, दैट इज़ अपनी अपनी चॉइस। तो यहाँ एक हमने डिक्शनरी बनाया, यहाँ पर सिंपली एक की लिख रहा हूँ मैं NM और कॉलन दिया, कॉलन देने के बाद हम लोग एक यहाँ वैल्यू देंगे इसका, तो वैल्यू में लिख रहा हूँ मैं जेंगो इज़ ऑसम। ओके, तो ये वाला जो है ये हम लोग वेरिएबल, सॉरी ये जो हमारा डिक्शनरी है इसको हम लोग यहाँ ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे लिखते हैं जेंगो डिटेल्स या फिर कोई भी वेरिएबल का नाम और इसको यहाँ पर ऐसे लिखते हैं। ओके, तो ये भी हो सकता था, देन हम लोग क्या करते हैं ये वाला सिंपली ये जो हमारा जेंगो डिटेल्स है इसको यहाँ पर लिख देते। तो आप वैसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, बात एक ही है। तो मैं वापस से इसको जो हमारा पहले का मोड था वह कर देता हूँ, ऐसे हमने लिख दिया। ये हमारा जाएगा कॉन्टेक्स्ट, कहाँ होगा कॉन्टेक्स्ट, कहाँ पास होगा, यहाँ पर पास होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको रेंडर करवाने का कोड लिखेंगे यानी कि टेम्पलेट लैंग्वेज यूज़ करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे जिसमें मैं फ़िल्टर्स यूज़ करने वाला हूँ। सिंपली अगर वेरिएबल की बात करें तो अगर मैं ऐसे लिखूँ H3 करता हूँ, H3, और यहाँ पर हम लोग वेरिएबल सिर्फ अगर लिखेंगे तो कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, फिर इसके अंदर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज और यहाँ पर NM, इससे हमें दिखाई देगा क्या जेंगो इज़ ऑसम, जो कि यहाँ पर हमने वैल्यू दिया हुआ है। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको करते हैं जी रिफ्रेश, देखिए दिखाई दे रहा है जेंगो इज़ ऑसम असम। अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो वाइट दिख रहा है आपको आंखों में चुभ रहा होगा तो इसको मैं इसमें थोड़ा सा CSS लगाता हूँ और बॉडी को बैकग्राउंड, बॉडी का बैकग्राउंड चेंज करके ब्लैक कर देता हूँ और फॉन्ट का कलर चेंज कर दूंगा। तो हम लोग आते हैं इसमें CSS कैसे यूज़ करते हैं ये भी आपको पता चलेगा। तो सिंपली CSS यूज़ करने के लिए हम लोग इंटरनल CSS लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग स्टाइल टैग के अंदर टाइटल के ऊपर में यहाँ पर स्टाइल टैग लिखेंगे, स्टाइल टैग लिखा, यहाँ पर बॉडी चेंज करना है मुझे तो बॉडी बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देता हूँ यार,
और हम लोग कलर चेंज कर देंगे, टेक्स्ट कलर क्या कोई सा भी, शी शेल ये कर देता हूँ, सेव किया। अभी इसको सेव करने के बाद एक बार और रिफ्रेश करता हूँ, देखिए ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो अभी हमारा ये आंखों में राहत का काम कर रहा है। मैं दिन भर लिखता रहता हूँ तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है, इसलिए मैंने ये कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट है, रेंडर होकर हमें यहाँ मिल रहा है। अब इसमें हम लोग फिल्टर यूज़ करेंगे। फिल्टर पहला हमारा क्या है, जो फिल्टर हमने देखा था उसमें याद कीजिए, पहला फिल्टर हमारा कैप फर्स्ट है। तो कैप फर्स्ट करने के लिए हम लोग पहले इसमें सभी में स्मॉल कर देते हैं। ये डी हमारा स्मॉल है और ए भी हमारा स्मॉल है। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए मैं फिल्टर लगा रहा हूँ। फिल्टर लगाने के लिए पाइप साइन लिखना है और शिफ्ट दबाकर प्रेस कीजिएगा तो ये लंबा डंडा आपका बनेगा। तो यहाँ कैप फर्स्ट ये लिखिए, सेव कीजिए। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कीजिए और देखिए आपको ये डी जो है वो कैपिटल में दिख रहा है। हमारा जो एक्चुअल डेटा है वो डी यहाँ स्मॉल है, बट यहाँ पर कैप फर्स्ट लगाने के बाद डी हमारा यहाँ कैपिटल में बन रहा है। फिर से रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है, पहला करेक्टर होता है, उसको ये कैपिटल कर देता है। सेंटेंस मतलब ये वाले वैल्यू का, ठीक है, ये वैल्यू का ध्यान में रखना। अभी कैप फर्स्ट हमने देख लिया, अभी मैं इसमें सिंपली एडिट करता हूँ और दूसरा दिखाता हूँ डिफ़ॉल्ट वाला। तो डिफ़ॉल्ट और इसमें एक आर्गुमेंट जाता है जो कि आप दे सकते हैं, मान लीजिए मैंने दे दिया नथिंग। अभी इसमें वैल्यू है, ये ट्रू होगा, वैल्यू होगा तो इसमें ये ट्रू होगा। जब ये ट्रू होगा तो डिफ़ॉल्ट वाला काम नहीं करेगा, बल्कि इसका जो वैल्यू है यानी कि जेंगो इज़ ऑसम, तो यहाँ आपको जेंगो इज़ ऑसम देखने को मिलेगा। जब ये फॉल्स होगा यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर इसको सिंपली ऐसे कर दें कि फॉल्स बुलियन फॉल्स यहाँ से पास करते हैं, तो ये हमारा एनएम क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इस केस में डिफ़ॉल्ट में जो भी लिखा हुआ है, यहाँ हमने नथिंग लिखा हुआ है, तो नथिंग यहाँ पर आपको वेब पेज में देखने को मिलेगा। या फिर अगर ये एम्प्टी भी होता है, अगर ये खाली होता है, ये अगर नहीं पास होता है, फिर ये हमारा ऑप्शनल है कॉन्टेक्स्ट, तो हमने इसको पास नहीं किया। हमने इसको सेव किया और इसको हमने रिफ्रेश किया, तो इस केस में भी ये हमारा नथिंग रहेगा। ओके, तो ये है। अभी मैं इसको वापस से ले आता हूँ और वापस से जेंगो इज़ ऑसम कर देता हूँ। तो हमारा डिफ़ॉल्ट भी हो गया, यानी कि ये हमने देख लिया फ़िल्टर। अभी नेक्स्ट फिल्टर हमारा है लेंथ। तो ये लेंथ हमें काउंट करके दिखाते हैं, LNGTH लेंथ लिखना है। देन इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कीजिए, यहाँ पर आपको 17 की लेंथ बताएगा। आप गिनिएगा इसको, ये जो है ये पूरा गिनिएगा, यहाँ से आपको गिनते रहिए, आपको पता चलेगा कि ये 17 है। मैं गिन नहीं रहा हूँ, उतना समय हमारे पास है नहीं। देन हमारा नेक्स्ट फिल्टर है लोअर। लोअर केस में कन्वर्ट करेगा ये तो पहले से लोअर केस में है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। इसको मैंने कट किया और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ गिकी सोज। ओके, हमने ये फिर से लोअर में दिया गिकी सोज, ये हमने कैपिटल में लिखा हुआ है, सेव किया मैंने। यहाँ मैंने लोअर लगाया हुआ है, आप ध्यान रखिएगा। देन इसको हम लोग सिंपली रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा स्मॉल लेटर में हमें देखने को मिलेगा। अभी इसको अगर हम लोग स्मॉल लेटर में लिखें, मैं वापस इसको जेंगो इज़ ऑसम कर देता हूँ जो कि स्मॉल लेटर में है, और यहाँ पर हम लोग इसको अपर कर दें, अपर फिल्टर यूज़ करें, तो ये वेब पेज में दिखने से पहले ये हमारा मॉडिफाई होगा और हमें यहाँ ये कैपिटल लेटर में देखने को मिलेगा। तो ये नाम वगैरह जो होता है आप इससे कैपिटल में स्मॉल में कर सकते हैं। देन एक हमारा इसके आगे अगर हम बढ़ें तो हमें एक फिल्टर मिलता है स्लाइस, जो अपने पाइथन में स्लाइस पढ़ा है वह सेम उसी तरीके से है। स्लाइस और ये आर्गुमेंट में हम लोग इसको दे देते हैं, मान लीजिए 2, और इसको सेव करें। सेव करने के बाद ये इस वैल्यू में से स्लाइस करेगा, तो मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, देखिए डी जी। तो एनएम में क्या है, जेंगो इज़ ऑसम, जिसमें से इसने 2 करेक्टर को स्लाइस कर दिया और उसको वेब पेज में दिखा रहा है, तो ये स्लाइस हो गया। ट्रंकेट को दिखाता हमें, ट्रंकेट में हम लोग ट्रंकेट कैरेक्टर पहले देखेंगे, तो ये हमारा ट्रंकेट कैर्स होता है, ट्रंकेट कैर्स। तो कितना ट्रंकेट करना है, मान लीजिए मुझे करना है 3 करते हैं, 3। तो इस वैल्यू में से ये कैरेक्टर को ट्रंकेट करेगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ट्रंकेट करेगा, तो 3 कैरेक्टर को ट्रंकेट करेगा। तो हमारा देखिए डी पहला हो गया, जे दूसरा हो गया, ए हमारा
तीसरा हो गया, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश किया तो हमें मिलता है, देखिए डी जे और ए जो हमारा थर्ड वाला है थर्ड, उसके बाद से ये तीन डॉट दिखाता है। तीन डॉट इसलिए नहीं दिखा रहा है कि आपने यहाँ पर तीन लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसमें फोर कर देता हूँ, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अगर मैं इसमें रिफ्रेश करूँ तो देखिए ये डी जे ए और ये तीन डॉट इस तरीके से दिखाता है, मतलब ये ट्रंकेट कर दे रहा है, जितना आपने इसको दिया उससे कम, ऐसा मानकर चलिए हम चलते हैं हम लोग। और ये डॉट 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 तीन यहाँ पर फिक्स कर देगा, ओके। इसी की तरह ट्रंकेट वर्ड्स है, तो ट्रंकेट वर्ड्स में ये कैरेक्टर को नहीं बल्कि वर्ड को करता है, तो ट्रंकेट वर्ड्स लिखते हैं। हमारे पास कितना वर्ड है, हमारे पास एक दो तीन ही वर्ड है, तो हम लोग इसमें दो लिख देते हैं। सेव किया, सेव करने के बाद इसको करते हैं रिफ्रेश, तो हमें जेंगो इज़ देन डॉट डॉट डॉट। अभी देखिएगा ध्यान से कि हमने दो लिखा तो दो वर्ड हमें एग्जैक्टली मिल जा रहा है, लेकिन करेक्टर में हमें एक कम मिलता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो गाइज़ ये थे कुछ फिल्टर्स, और भी हैं जो ख़ास है, वह है डेट टाइम, क्योंकि डेट टाइम के साथ आपको बहुत काम करना पड़ेगा, तो एक बार हम लोग डेट टाइम लिख लेते हैं। इसके अलावा ये जो नॉर्मल ये जो सिंपल सिंपल से हैं वो भी बहुत सारे हैं, आप सर्च करेंगे बिल्ट इन फिल्टर जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज तो आपको मिल जाएगा, करीब 50 से ऊपर है, तब उसके ऊपर एक बार आप रिव्यू कर लीजिएगा अगर आप और ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो। बट इतना काफ़ी है नॉलेज के लिए। डेट की बात करते हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो डेट में काम करने के लिए पहले आपको डेट टाइम को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, डेट टाइम को इम्पोर्ट करने से पहले आपको PPT में दिखाता हूँ, उसका कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जिसको देखना ज़रूरी है, तो PPT में आते हैं। हमने यहाँ पर एंड किया था अपने PPT को, इसके आगे देखेंगे तो अपर मिल जाएगा आपको, स्लाइस मिल जाएगा, ट्रंक कैरेक्टर मिल जाएगा, देन ट्रंक वर्ड्स मिल जाएगा जो हमने एग्जांपल में देख लिया, मैंने बस PPT में डिस्कशन उसका नहीं किया। हमारा अभी जो है वो है डेट, तो इट फॉर्मेट्स अ डेट अकॉर्डिंग टू द गिवन फॉर्मेट, तो जो भी आप इसको फॉर्मेट देंगे उसके अकॉर्डिंग ये डेट को फॉर्मेट करके आपको वेब पेज में दिखाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर वैल्यू, यानी कि इसमें कोई एक डेट का वैल्यू होगा, देन आपको पाइप साइन देना है, देन आपको डेट लिखना है फिल्टर का नाम, देन ये आर्गुमेंट लेता है एक फॉर्मेट, जैसे कि डी दिया कैपिटल में, फिर डी दिया स्मॉल में, एम दिया कैपिटल में, फिर वाई दिया कैपिटल में। इसी तरीके से टाइम होता है, तो इट फॉर्मेट्स अ टाइम अकॉर्डिंग टू द गिवन फॉर्मेट, जो भी आप फॉर्मेट देंगे उसके अकॉर्डिंग ये टाइम को फॉर्मेट करके आपको दिखाएगा। इसका एग्जाम्पल वैल्यू लिखा, यानी कि इसमें कोई टाइम होगा, इस वैल्यू में कुछ टाइम होगा, देन पाइप सेन देना है टाइम या और फिल्टर का नाम है, देन इसका आर्गुमेंट है कोट्स के अंदर में लिखना है, ध्यान रखिएगा डेट का फॉर्मेट भी कोट में लिखना है और टाइम का फॉर्मेट भी कोट में लिखना है। यहाँ टाइम का फॉर्मेट है कैपिटल एच और कॉलन दिया है और मैंने आई लिखा हुआ है। अब आप मुझसे कहेंगे कि और कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं, जैसे डी मतलब क्या होता है, कैपिटल डी मतलब क्या, स्मॉल डी मतलब क्या, एम कैपिटल एम वाई मतलब क्या, कैपिटल वाई मतलब क्या, कैपिटल एच मतलब क्या, स्मॉल आई मतलब क्या, और कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं ये हमें जानना पड़ेगा। तो मैंने टेबल बनाया है आप लोगों के लिए ये वाला, तो आप इसमें देख सकते हैं। अगर आप स्मॉल डी लिखते हैं तो उसका मीनिंग होता है डे ऑफ मंथ टू डिजिट विथ लीडिंग ज़ीरो, जैसे डेट होता है ना 01 02 03 04, तो 1 2 3 4 5 कितना तारीख है, तो वह मिलेगा आपको अगर आप स्मॉल डी लिखेंगे तो। अगर आपको बिना ज़ीरो वाला डे चाहिए तो उसके लिए आपको जे लिखना पड़ेगा। अगर आप कैपिटल डी लिखेंगे तो ये डे ऑफ द वीक बताएगा टेक्सचुअल में 3 लीटर का, जैसे फ्राइडे होता है तो फ्राइडे का FRI, सैटरडे होता था SAT, संडे होता था SUN, उसी तरीके से 3 लीटर का आपको डे बताएगा वीक का। उसी तरीके से ये लिखिएगा तो आपको पूरा मिलेगा, उसी तरीके से S लिखिएगा तो आपको ये मिलेगा, देन W लिखिएगा तो आपको ये मिलेगा, देन डे ऑफ द ईयर लिखिएगा, सॉरी डे ऑफ द ईयर चाहिए तो Z लिखिए, आपको ये मिल जाएगा 1 से 365 दिनों तक। ये सारी इन्फॉर्मेशन डे से रिलेटेड है, यानी कि ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं फॉर्मेट करेक्टर, ये डे से, अगर आपको वीक का चाहिए तो आपको वीक का फॉर्मेट ये है, यहाँ पर आप W लिखते हैं, कैपिटल W लिखना होता है, जिसमें आपको वीक नंबर ऑफ ईयर मिलता है विथ वीक्स स्टार्टिंग ऑन मंडे, जो कि 1 से लेकर 53 तक हो सकता है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर भी एक W है जो कि स्मॉल में है, जिसमें आपको डे ऑफ द वीक मिलता है डिजिट्स विदाउट लीडिंग ज़ीरो, ये स्मॉल W में है और ये हमारा कैपिटल W में है। इसके अलावा आपको मंथ से रिलेटेड फॉर्मेट मिलते हैं कुछ इतने, जिसमें आप स्मॉल m लिखेंगे तो मंथ मिलेगा 2 डिजिट विथ
लीडिंग ज़ीरो, तो जो कि 01 से 12 तक होगा, 12 महीना होता है पहला महीना, 1 2 3 4 5 करके। देन एन लिखेंगे तो विदाउट लीडिंग ज़ीरो मिलेगा 1 से 12 तक। कैपिटल एम लिखेंगे तो मंथ मिलेगा टेक्सचुअल 3 लेटर्स में, जैसे कि जे ए एन होता है, एफ ई वी होता है, तो सारे। देन बी देख लीजिए, ई देख लीजिए और पढ़ लीजिएगा, आपको ईजी समझ में आएगा, बच्चों वाला है। देन ईयर से रिलेटेड है, स्मॉल वाई लिखेंगे तो 2 डिजिट मिलेगा ईयर का, 99, जैसे 1999 है तो 99, 2020 है तो 20 मिल जाएगा आपको। देन कैपिटल वाई लिखेंगे तो 4 डिजिट मिलेगा, जैसे कि 1999 है तो हमें अभी 2020 मिल जाएगा, 2020 है अभी तो। देन आपको लीप ईयर चेक करना हो तो आप कैपिटल एल लिखेंगे, ये ट्रू फॉल्स आपको रिटर्न करके देगा। देन बाकी सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, वीक नंबर वगैरह लिखा हुआ। ओके, तो ये है डेट से रिलेटेड जो भी था, डेट से रिलेटेड था, डे उसमें होता है, वीक हो सकता है, मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है। अभी टाइम की बात करें तो टाइम में हमें ये फॉर्मेट्स मिलते हैं, स्मॉल जी ये 12 घंटे वाला फॉर्मेट दिखाता है विदाउट लीडिंग ज़ीरो 1 से 12 बजे का। कैपिटल जी लिखते हैं, ये 24 घंटे वाला फॉर्मेट दिखाता है विदाउट लीजिंग विदाउट लीडिंग ज़ीरो 0 से 23। स्मॉल एच लिखेंगे तो 12 आवर का फॉर्मेट दिखाता है 0 to 12, और कैपिटल एच लिखेंगे तो 24 आवर का फॉर्मेट दिखाएगा। अगर ये दोनों ही लीडिंग विद ज़ीरो है, आप जैसा कि देख सकते हैं। देन मिनट चाहिए तो आई स्मॉल आई लिखिए, सेकंड चाहिए तो स्मॉल एस लिखिए, माइक्रो सेकंड चाहिए तो आप यू लिखिए, और ए है ए एम पी एम के लिए, देन एफ है, देन पी है जी। तो ये सारी चीज़ें अभी। इसके अलावा और हमें क्या मिलता है, इसके अलावा मिलता है टाइम जोन। तो टाइम जोन भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ई लिखेंगे तो टाइम जोन नेम आपको मिलेगा, कुड बी एनी फॉर्मेट और माइट रिटर्न एन एम्प्टी स्ट्रिंग डिपेंडिंग ऑन दी डेट टाइम। देन आई है, ओ है, टी है, जेड है, ये सब देख लीजिएगा। देन डेट टाइम के लिए आपको सी मिलता है, आर मिलता है, यू मिलता है। अभी एक और मैं देख रहा, हाँ ये वाला प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स, कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स मिलते हैं, यानी कि आपको फॉर्मेट लिखना नहीं पड़ेगा। कुछ प्री डिफाइंड जो जनरली यूज़ होते हैं ज़्यादातर, आप सिंपली लिखिए डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट, तो आपको ये वाला फॉर्मेट होकर मिलेगा, यानी कि एन कैपिटल में, जे स्मॉल में, वाई कैपिटल में, आपको लिखना ना पड़े, इसलिए एक लेटर लिख दिया गया है, एक वर्ड लिख दिया गया है, डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट। तो ये लिखिए आपको इस फॉर्मेट में, एग्जांपल में आप देख सकते हैं, इस फॉर्मेट में आपको आपका डेट मिलेगा, डेट टाइम फॉर्मेट। तो इस फॉर्मेट में आपको डेट और टाइम मिल जाएगा। आपको शॉर्ट डेट फॉर्मेट चाहिए तो आपको इस फॉर्मेट यूज़ करने से मिल जाएगा, इसी तरीके से शॉर्ट डेट टाइम फॉर्मेट। तो ये ज़्यादा यूज़फुल होता है, लोग इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये जो है, ये लिखिएगा तो ये मिल जाएगा, ये लिखिएगा तो ये मिल जाएगा। आपको ये इस तरीके से दिमाग लगाने की या फिर याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये वाली। ओके, ये इसका अल्टरनेट दिया गया, ये सब, ये ज़्यादा याद रखना ज़्यादा ईजी है, बिकॉज ये हमारे लिए एक कोड वर्ड नहीं, हमारे लिए एक सेंटेंस है की तरह काम करेगा, तो इसको याद रखना ज़्यादा ईजी होता है। इसको कैसे यूज़ करते हैं जी, इसको यूज़ करना है आपको टेम्पलेट इंजन में कुछ इस तरीके से, वैल्यू में डेट रहेगा, देन डेट लिखना है फिल्टर, और इसमें आर्गुमेंट में आपको ये वाला कोई भी एक आपको लिखना है। टाइम से रिलेटेड हो तो टाइम के लिए भी आपको सेम यूज़ करना है, बस आपको यहाँ पर डेट की जगह टाइम यूज़ करना है, टाइम लिखना है फिल्टर, और देन टाइम फॉर्मेट आपको लिखना है। तो पहले इतना देख लेते हैं डेट और टाइम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, हालांकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक और भी है। यही होता है क्रैश कोर्स में कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। क्या है, अभी 1 घंटे से कितना समय हो गया, पता नहीं कितना समय हो गया, उतनी देर से मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं डेट और टाइम। हम लोग डेट टाइम के लिए पहले आप डेट टाइम को इम्पोर्ट करेंगे, जो हमने पाइथन में सीखा हुआ है। तो डेट टाइम में से इम्पोर्ट करो डेट टाइम, तो ये हमने इम्पोर्ट कर लिया, इसको मैंने कर दिया सेव कर दिया। हमने एग्जांपल 3 देखा था, 3 में बहुत सारे एग्जांपल हमने देखे, अभी एग्जांपल 4 देखिए। मैं एग्जांपल 4 5 ऐसे क्यों काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं आपको कोड दूंगा ये वाला, तो उसमें लिखा हुआ रहेगा कि एग्जांपल 4 का ये है, फिर एग्जांपल 5 का ये है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। बता दूंगा लास्ट में कि कैसे आपको कोड ढूंढना है और कैसे उसको, अब अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे मेरे दिए हुए कोड से। सो ये है हमारा एग्जांपल नंबर 4 व्यू फंक्शन,
तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक मैं हटा देता हूँ, हम लोगों को यहाँ डेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक हम लोग डेट बनाते हैं, यहाँ से डी लिखा मैंने, देन डेट टाइम डॉट नाव। अभी नाव फंक्शन क्या करता है इसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने मेरा प्लेलिस्ट नहीं देखा है पाइथन वाला, तो जाकर देखना पड़ेगा। तो डी मैंने लिख दिया, देन रिटर्न करेगा ये रिक्वेस्ट, और यहाँ पर हम लोग सिंपली लिख देंगे कहाँ पर टेम्पलेट फाइल कोर्स course1.html, और हम लोग इसको पास कर देंगे। तो अगर अब हम लोग सिंपली से डी लिख दें तो ये काम नहीं बनेगा, क्योंकि डी हमारा डिक्शनरी नहीं है और हमेशा यहाँ डिक्शनरी होना चाहिए, तो ऐसे हमारा काम नहीं बनने वाला है। तो काम बनने के लिए करेंगे क्या, इसको डिक्शनरी में बदलेंगे। डिक्शनरी में बदलने के लिए आपको सिंपली कर लिया ओपन, कर लिया क्लोज करना है, देन dt या फिर जो भी आप नाम रखना चाहें रख सकते हैं, ये की है एक्चुअली में, देन इसका वैल्यू बना देंगे हम लोग डी को, यानी कि यहाँ जो भी है वह dt के लिए वैल्यू बनेगा। dt हमारा की है और ये हमारा पूरा एक डिक्शनरी है, और ये हमारा जाएगा टेम्पलेट में, और हम लोग जानते हैं कि यहाँ से जो डिक्शनरी का की होता है वह यहाँ पर आकर बनता है वेरिएबल। तो ये dt हमारा एक वेरिएबल बन जाता है हमारे टेम्पलेट पर। अगर हम लोग सिंपली dt को प्रिंट करें यहाँ पर, कर लिया ओपन, कर लिया क्लोज, कर लिया ओपन, कर लिया क्लोज, और यहाँ पर dt, और इसको सेव करें। सेव करने के बाद मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, हमारा सर्वर जो है वो डाउन हो गया था, मैंने इसको रिस्टार्ट किया है। अभी ये हमें एरर देगा, हमें जाना पड़ेगा अपने URL में। यहाँ पर देखिए हमें ये डिफ़ॉल्ट डेट दे रहा है, आज है 15 तारीख 2020 12:02 बज रहे हैं अभी रात के, लगभग लगभग क्या इतना ही बज रहा है। तो ये हमने सिंपल सा डेट हमने डिस्प्ले किया वेब पेज में, लेकिन हमें ये अगर ये हमें फॉर्मेट करना हो तो फिर हमें फ़िल्टर यूज़ करना पड़ेगा। फ़िल्टर कौन कौन से हमारे पास है, हमारे पास बहुत सारे फ़िल्टर हैं। तो यहाँ अब हमें व्यू में नहीं आना है, व्यू में जो हमें लेना था वो हमने दे दिया हुआ है, अभी वहाँ हमें जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब सिंपली हम लोग यहीं पर से काम करेंगे, तरह तरह के फ़िल्टर लगाएंगे और इसको देखेंगे स्क्रीन पर। तो पहले शुरू से शुरू करेंगे, पहला फ़िल्टर जो मैंने आपको PPT में दिखाया था वही देखते हैं, डी। ओके, हमने यहाँ पर डेट नहीं लिखा हुआ है, तो फ़िल्टर लिखना है, डेट लिखना है, देन इसका आर्ग्यूमेंट बनेगा, सिंगल कोट या डबल कोट में लिख सकते हैं, डेट लिखा स्पेस स्मॉल डी एम और कैपिटल वाई, सेव कीजिए इसको। सेव करने के बाद इसको हम लोग अगर रन करेंगे तो हमें यहाँ पर देखिए SAT सैटरडे है आज, 15 तारीख है, और FEV फरवरी है और 2020 है, तो ये हमें मिल जाता है इस फॉर्मेट से। एक और नीचे फॉर्मेट में बनाता हूँ जिसमें आपको टाइम दिखाता हूँ। तो हमने इतना हटा दिया, हमें टाइम फिल्टर लगाना है, देन इसका हमें आर्ग्यूमेंट देना है H कैपिटल में और I मिनट के लिए, देन इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमें टाइम दिखाई देता है, तो 12:04 हो रहा है अभी, इसलिए आपको 00 और 04 दिखाई दे रहा है। बाकी के जितने भी फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया है सारे फॉर्मेट आप ट्राई कीजिएगा, सब काम करेगा, और सब आपको तरह तरह का मनोरंजक फॉर्मेट डिस्प्ले करके दिखाएगा वेब पेज में। बट मैं आपको प्री डिफाइंड एक बता देता हूँ डेट का, जो कि था शॉर्ट डेट फॉर्मेट, शॉर्ट डेट फॉर्मेट, और एक टाइम का भी दिखा देता हूँ साथ में, टाइम फॉर्मेट, दोनों देख लीजिए। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए शॉर्ट डेट फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जो कि एक्चुअली इंडिया में ऐसा नहीं चलता है। इंडिया में हम लोग पहले तारीख देखते हैं, फिर महीना, उसके बाद ईयर आता है। तो वह फॉर्मेट भी आप अचीव कर सकते हैं, आप अपना कस्टम फॉर्मेट लगाइएगा, आपको मिल जाएगा ये 12:04 AM आपको दिखाई दे रहा है, ये सही है इंडिया के लिए। हम लोग ऐसा नहीं देखते, हम लोग 15 फरवरी 15:02:2020 रहता तो वो हमारे लिए बेटर होता, बट कोई नहीं, आप उसको अचीव कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मेट बताए हैं, फॉर्मेट कैरेक्टर का यूज़ कीजिएगा और उसको अचीव कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ये यूज़ होता है बहुत ज़्यादा डेट टाइम, तो ये ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट हमारा फ्लॉट फॉर्मेट है, आप प्राइस से डील करेंगे हर वेब एप्लीकेशन में, डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से, तो उसके लिए ये फॉर्मेट दिया गया है जिसमें आप फिल्टर करके बेहतर तरीके से प्राइस को या फिर डेसिमल नंबर जो होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो कुछ कंडीशंस है, जैसे व्हेन यूज्ड विदाउट एन आर्ग्यूमेंट राउंड्स अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर टू 1 decimal place बट ओनली इफ देयर इज अ डेसिमल पार्ट टू बी डिस्प्लेड। तो डिस्प्ले करने का रहेगा उसको तो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, और एक ही करेगा, यानी कि डेसिमल के बाद एक
डिजिट तक आपको दिखाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखिए, ज़रा ध्यान से, अगर आपका वैल्यू 56.24321 है और आपने ये वाला फॉर्मेट यूज़ किया, मतलब टेम्पलेट इंजन आपने ये वाला दिया हुआ है, तो उस केस में आपका आउटपुट जो होगा वो ये होगा, यानी कि 56.2 होगा, एक डेसिमल आपको डिजिट आपको देखने को मिलेगा। उसी तरीके से 56.000 दिया तो इसमें कोई डेसिमल के बाद कुछ डिस्प्ले होने का है नहीं, तो इस वजह से यहाँ पर सिर्फ आपको 56 दिखाई देगा राउंड अप होके। ये 56.37 है तो 7 तक राउंड अप होकर 4 यहाँ हो गया है। हम लोग जानते हैं कि 5 रहता है, पर 5 से बड़ा होगा तो वो राउंड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो है, हमने छोटी क्लास में ही पढ़ी हुई हैं। इसके आगे दूसरा कंडीशन हमारे पास ये है कि इफ़ यूज्ड विद अ न्यूमेरिक इंटीजर आर्ग्यूमेंट, अगर आप इसमें कोई आर्ग्यूमेंट देंगे जो कि न्यूमेरिक होगा और पॉजिटिव होगा, तो फ्लॉट फॉर्मेट राउंड्स अ नंबर टू दैट मेनी डेसिमल प्लेसेस। जैसे कि मैंने 56.2431 जो हमारा यहाँ था वैल्यू, वही वैल्यू हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें मैंने क्या किया, 3 हमने आर्ग्यूमेंट दे दिया हुआ है, तो ये दशमलव के बाद 3 डिजिट तक आपको दिखाएगा। अगर राउंड्स करने का रहा तो राउंड करके दिखाएगा, वरना नहीं तो फिर ऐसे ही दिखाएगा। लेकिन यहाँ 3 आपने लिखा हुआ है तो इसलिए 3 डिजिट तक ये दिखा रहा है। यहाँ आपने कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो ये 1 तक दिखा रहा था। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। और भी कुछ कंडीशन है देख लीजिए, इजी ये सब है। पर्टिकुलरली यूजफुल इज पासिंग 0 एज द आर्ग्यूमेंट विच विल राउंड द फ्लॉट टू द नियरेस्ट इंटीजर। जब आप 0 देंगे तो ये नियरेस्ट इंटीजर में राउंड करेगा, जैसे कि 56.2431 है, आपको ये नियरेस्ट इंटीजर में चाहिए, तो आप 0 देंगे तो ये इंटीजर हो जाएगा। देखिए 56 हो गया, फिर ये भी 56 और ये भी 56 हो गया है राउंड अप राउंड होकर। उसी के साथ एक और लास्ट कंडीशन इसमें ये आता है कि इफ़ द आर्ग्यूमेंट पास्ड टू फ्लॉट नंबर इज नेगेटिव, इट विल राउंड अ नंबर टू दैट मेनी डेसिमल प्लेस, बट ओनली इफ देर इज अ डेसिमल पार्ट टू बी डिस्प्लेड। तो अगर आप डालेंगे -3 तो ये कुछ इस तरीके से राउंड ऑफ अगर आपको दिखेगा 3 डिजिट तक। इसमें नहीं था तो नहीं दिखाया है, अगर होता तो दिखाता। तो ये कुछ कंडीशन है, आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है, बस प्राइस को, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को कैसे अलग अलग तरीके से आप दिखाते हैं वही है। तो चलिए इसको क्विकली कर लेते हैं। ये हमारा लास्ट फिल्टर है इस क्रैश कोर्स का। बाकी जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज में तो बहुत सारे फिल्टर और बाकी हैं, बट हमारे क्रैश कोर्स का ये लास्ट इम्पॉर्टेंट फिल्टर है। ये जो डेट टाइम का एग्जाम्पल था, इससे अब हमें कोई लेना नहीं, तो मैं इसको हटा देता हूँ और ये भी मैं हटा देता हूँ। ओके, तो हमें यहाँ से पास करना पड़ेगा फ्लॉट पॉइंट नंबर, तो इसको हटा देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्विकली लिखता हूँ फंक्शन और यहाँ पर ये लिखूँगा क्विकली, इसको हटा देता हूँ, देन आपके पास वापस आता हूँ जल्दी से। और ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 है। चलिए मैंने लिख दिया हुआ है, रेंडर फंक्शन लिख दिया, रिक्वेस्ट लिख दिया, ये हमारा टेम्पलेट का नाम है। मैंने डिक्शनरी बनाया हुआ है यहाँ पर, जिसमें पहला की दिया है P1, जिसमें ये वाला वैल्यू लिखा 56.2431 जो हमने देखा था अभी PPT में। देन ये दूसरा की है जिसका वैल्यू हमने दिया 56.000, आप चाहें तो 20 और बढ़ा दीजिए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन 56.37000 बार ये P3 की के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ इसको सेव कर देता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ टेम्पलेट में लिखा हुआ है पहले 5.1 एग्जाम्पल नंबर भी मैंने इस बार दे दिया हुआ है। पहले P1, P2, P3 इसका जो नेचुरल वैल्यू है जो यहाँ पर है वो आपको दिखाई देगा विदाउट एनी फिल्टर। इसके बाद हम लोग फिल्टर लगाएंगे। पहला फिल्टर हमने विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट लगाया हुआ है, दूसरा फिल्टर हमने विद आर्ग्यूमेंट इंटीजर वैल्यू लगाया हुआ है पॉजिटिव। देन 5.4 एग्जाम्पल में हमने 0 पे लगाया हुआ है, देन हमने नेगेटिव वैल्यू पे लगाया, जो हम भी हमने PPT में देखा सब मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको करेंगे रिफ्रेश तो हमें ये दिखाई देगा, ज़्यादा ही हो गया नहीं, इसको करते हैं छोटा सा और छोटा और छोटा, नहीं हमें दिखेगा नहीं। तो आप इसको देखिएगा कि ये किस किस तरीके से हमें आउटपुट दे रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये नेचुरल वैल्यूज़ हैं, देन यहाँ से हमारा फिल्टर काम कर रहा है। तो जो मैंने PPT बताया उसी के अकॉर्डिंग ये आपको आउटपुट दे रहा है। अब एक बार इसको ध्यान से पढ़ेंगे थियोरेटिकली तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसके एक बार आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। अभी तक हम लोग देख रहे थे वेरिएबल्स और फिल्टर। वेरिएबल देखा हमने, फिर वेरिएबल के साथ कैसे फिल्टर यूज़ करते हैं वो देखा, देन फिल्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं आप चेंज कर सकते हैं फिल्टर को, वो सारी चीज़ें हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं टैग, टेम्पलेट टैग्स। तो पहला हमारा टैग है इफ़ कंडीशन।
जो हमारा सॉरी इफ टैग, ये सिमिलर है जैसे आप लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं, पाइथन में आपने पढ़ा होगा, आपने अगर सी पढ़ा है तो उसमें पढ़ा होगा, सी प्लस प्लस में, जावा में, पीएचपी में, हर चीज़ में आपने पढ़ा होगा। अगर आपने कोई लैंग्वेज पढ़ा है तो उसमें जो इफ़ स्टेटमेंट होता है, इफ़ कंडीशन लगाते हैं और चेक करके हम बताता है अगर ट्रू होगा तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। बस इसका लिखने का तरीका अलग है। यहाँ पर हमें, यहाँ पर हमें क्या मिलता है, हमारा जो यहाँ टैग होता है वह होता है कर्ली ओपन, देन परसेंट देना है, देन स्पेस देकर इफ़ लिखना है, इफ़ लिखना ही है, यही सेम कीवर्ड है हमारा, देन स्पेस देकर परसेंट लिखना है, देन आपको कर्ली क्लोज लिखना है। ये हमारा बन गया इफ़ टैग। द इफ़ टैग इवेल्युएट्स अ वेरिएबल एंड इफ़ दैट वेरिएबल इज़ ट्रू और एग्जिस्ट इज़ नॉट एम्प्टी एंड इज़ नॉट अ फॉल्स बूलियन वैल्यू। तो ये इवेल्युएट होगा, मतलब आपको दिखेगा इसके अंदर जो भी होगा वह दिखेगा जब वो वेरिएबल इवेल्युएट होगा ट्रू में। और ये फॉल्स कब हो जाएगा, वेरिएबल इवेल्युएट फॉल्स कब होगा, जब हमारा वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा या फिर एम्प्टी हो या फिर बूलियन वैल्यू उसमें फॉल्स हो, तो उसके इसमें ये फॉल्स होगा, अगर वेरिएबल है तो वो ट्रू इवेल्युएट होगा। तो ये है सिंपल से इसका कॉन्सेप्ट, इसका सिंटैक्स अगर देख लेते हैं, एक बार आप पकड़ लेते हैं तो आपका ये जीवन भर याद रहेगा। इफ़ लिखा, इफ़ लिखने के बाद स्पेस देकर मैंने यहाँ पर वेरिएबल लिखा जो कि व्यू फंक्शन से आएगा। अगर ये वेरिएबल है, इसका वैल्यू है, इस वेरिएबल का कोई वैल्यू है तो ये हमारा ट्रू माना जाएगा और इसके अंदर जो भी होगा वह हमें देखने को मिलेगा। देन इस इफ़ टैग का एक इंड टैग भी हमें लिखना पड़ता है, क्योंकि ये एचटीएमएल में लिखा जाएगा तो उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि फॉर्मेट तो होगा नहीं, इंडेंट तो होगा नहीं, वेल इंडेंट होगा नहीं, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये इफ़ कहाँ पर एंड हो रहा है, इसीलिए इसका क्लोजिंग टैग भी होता है। जैसे एचटीएमएल का क्लोजिंग टैग होता है, वैसे ही आप समझ सकते हैं कि इसका भी क्लोजिंग टैग है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा इफ़ एन एम आ रहा है व्यू फंक्शन से, अगर उसमें कोई वैल्यू है तो इसके अंदर का कोड चलेगा आपको हेलो एन एम में जो भी होगा वो आपको दिखाई देगा और हमारा ये इफ़ स्टेटमेंट बंद, इफ़ टैग बोलिए इसको, स्टेटमेंट मत बोलिए, इफ़ टैग, हालांकि मैं ही बोल रहा हूँ। देन इस इफ़ टैग के साथ आप ऑपरेटर्स भी लगा सकते हैं, जैसे एंड ऑपरेटर है तो एंड ऑपरेटर भी आप लगा सकते हैं। इसमें दो वेरिएबल्स टेस्ट किए जाएंगे, अगर ये और ये दोनों ही ट्रू होता है तो ये कम्प्लीटली ट्रू माना जाएगा और इसके अंदर हमारा जो कोड होगा वह एग्जीक्यूट होकर हमें देखने को मिलेगा। उसी तरीके से और है, इफ़ एन एम और एस टी, यानी कि इन दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू होता है तो हमें इसके अंदर का कोड देखने को मिलेगा। उस तरीके से इफ़ नॉट है, इफ़ नॉट, अगर ये ट्रू इफ़ नॉट है तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होकर इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो ये और भी हैं जो ऑपरेटर आप पढ़ते हैं वो सारे इसमें हैं, तो आप एक बार डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो अप कर लीजिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। मैं बस यहाँ आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि कैसे कैसे यूज़ करना है। इसके अलावा हम लोग इफ़ टैग को विथ कंडीशन भी यूज़ करते हैं। सिंटैक्स इसका ये है कि इफ़ और कंडीशन यहाँ पर लिखना, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, इसका क्लोजिंग टैग लिखना। एग्जाम्पल के तौर पर इफ़ एन एम इक्वल इक्वल जेंगो, अगर यहाँ जो भी वैल्यू आएगा वह जेंगो के इक्वल होता है तो इसके अंदर का कोड इवेलुएट होकर हमें वेब पेज पर दिखाई देगा, देन इसका एंड टैग। उसी के साथ अगर आप इसमें एंड ऑपरेटर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अब ये कंडीशन और ये कंडीशन ट्रू होगा तभी इसके अंदर का कोड आपको इवेलुएट होकर आपको दिखाएगा, देन इसका एंड टैग। इस तरीके से और के लिए भी है, और हमने नॉट के लिए भी लगाया हुआ है। तो ये सारे, तो अगर आपने कोई भी लैंग्वेज पढ़ा हुआ है, चाहे वो पीएचपी हो, पाइथन हो, सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, और भी आपका सी शार्प हो, दुनिया भर के लैंग्वेजेस हैं, किसी एक को भी पढ़ा है तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। इसमें डिफरेंस बस इतना सा है कि यहाँ लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है और इसमें एंड टैग एक देना पड़ता है जहाँ भी इसको आप बंद करना चाहते हैं वहाँ पर। देख लीजिए यहाँ पर इफ टैग्स में ऑल्सो यूज दीज ऑपरेटर्स, जैसे कि इक्वल इक्वल हो गया, नॉट इक्वल हो गया, लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इन नॉट इन, इज नॉट, ये सारे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इतने सारे तो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, दिखा सकूंगा नहीं, तो आप अगर चाहें तो ट्राई करना तो कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या हमारे पास है, इसके अलावा ये है कि हम लोग इफ़ के साथ फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं। सिंटैक्स इफ़ वेरिएबल फिल्टर, अगर ये इवेलुएट होगा तो आपको इसके अंदर का कोड दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। जैसे कि इफ़ एन एम, इसका लेंथ अगर ग्रेटर देन इक्वल 6 होता है तो इसके अंदर का कोड इवेलुएट होकर आपको दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो चलिए इतना कोड पहले देखते हैं, उसके बाद
इसमें इफ़ एलिफ भी है, फिर इफ़ एल्स भी है, तो वो सारी चीज़ें भी हमें देखनी है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये हम लोग हमारा एग्जांपल 5 हो चुका है, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से खलास, और जी ये हमारा यहाँ से यहाँ तक कर देता हूँ। ये एग्जांपल नंबर हमारा 6 बनने वाला है। इसमें लोग रिटर्न रेंडर, तो मुझे हटाना नहीं चाहिए क्या, बेकार में लिखना पड़ रहा है, इतना तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि क्या क्या लिखना होता है। कोर्स लिखना है, देन कोर्स 1.html, देन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक डिक्शनरी जिसमें हम लोग की देंगे nm, और इसका वैल्यू मैं दे रहा हूँ फिलहाल के लिए ट्रू, बुलियन ट्रू। इसको सेव कीजिए, और इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टेम्पलेट यहाँ पर। तो ये एग्जांपल 6 से हम लोगों को यूज़ करना है इफ़ टैग। तो इफ़ टैग कैसे लिखते हैं, कर ली ओपन, कर ली क्लोज, देन दो इस तरीके से परसेंट लिखी है, देन यहाँ पर स्पेस दीजिए, देन लिखना चालू कीजिए। लिखना चालू कर रहा हूँ मैं इफ़, एक कीवर्ड है ये, एज इट इज़ जैसा है वैसे रहेगा, या देन वेरिएबल मुझे टेस्ट करना है, तो मैंने nm लिख दिया मेरे वेरिएबल का नाम। एक स्पेस देना है, इसको ऐसे चिपका के नहीं रखना है, ठीक है, इसको आपको स्पेस देकर अलग कर देना है। देन अगर ये सही सलामत है, ये अगर ट्रू इवेलुएट होता है, यानी कि ये जो हमारा वेरिएबल ये ट्रू इवेलुएट होता है, तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर का कोड हम लोग लिख देते हैं H3 में हेलो, और nm में जो भी है, तो बाकी तो जैसे वेरिएबल हम लोग करते हैं ये वैसे का वैसे ही रहेगा। अब इफ़ हमारा कहाँ ख़त्म हो रहा है ये आपको बताना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एंड टैग यहाँ यूज़ करना पड़ता है। एंड टैग लिखने के लिए आप सेम कर ली ओपन कर ली क्लोज, दो बार परसेंट साइन लिखेंगे, देन स्पेस देना है, देन एंड इफ लिखना है, और एक बार स्पेस देना है। परसेंट को किसी भी वर्ड से चिपकाना नहीं है, ठीक है, परसेंट हमेशा अलग रहेगा, कर्ली के साथ वो चिपक सकता है, बट किसी भी अदर वर्ड के साथ, जैसे कि इफ़ को इसके साथ लगा दिया तो वैसे नहीं काम चलेगा। इसको सेव कीजिए और इसको हम लोग रन करके देखेंगे। तो ये हमारा 6 नंबर एग्जांपल है, मैं सब आपको दे दूंगा ये पूरा का पूरा कोड। हेलो ट्रू, देखिए nm में क्या था, ट्रू था, nm में क्या था, यहाँ पर ट्रू आ रहा था, ट्रू था, तो हमें ट्रू यहाँ पर देखने को मिलता है। आप यहाँ से कोई वैल्यू पास करेंगे तो भी वो इवेलुएट होगा ट्रू ही। तो मैं यहाँ कर ले देता हूँ Django, इसको हमें कॉट के अंदर में लिखना है Django को, मैंने सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो हेलो Django देखने को मिलेगा। अभी कब ये नहीं होगा, अगर आपका ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये जो है आपने पास नहीं किया यहाँ से, और आपने इफ़ लिखा हुआ है यहाँ पर, ये इफ़ लिखा हुआ है, तो ये इवेलुएट नहीं होगा उस केस में, आपका ये इफ़ के अंदर का कोड भी इवेलुएट नहीं होगा, और आपको यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ये खाली रहेगा। या फिर अगर ये फॉल्स होता है, फॉल्स अगर हो गया, मैंने इसको सेव किया, तो इस केस में ये हमारा वेरिएबल फॉल्स इवेलुएट होगा, तो इफ़ फॉल्स, तो इसके अंदर का कोड ना चले। सेव किया है मैंने, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ आपको कोड देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ये ट्रू होगा, ये अगर हम लोग ट्रू कर देते हैं, सेव किया, सेव करने के बाद इसको करेंगे रिफ्रेश, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा और हमें स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। तो इफ जैसे काम करता है नॉर्मली बाकी सभी लैंग्वेजेस में, वैसे ही यहाँ पर भी काम करता है। तो इसमें हमने 6 और 7 एग्जांपल देख लिया, दोनों ही देख लिया। अभी हम लोग आएंगे 8 नंबर एग्जांपल में, जिसमें हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स को, यानी कि एंड ऑपरेटर हमारा है, और ऑपरेटर है, वो सारे हम लोग देखेंगे। मैं क्विकली कोड लिख लेता हूँ फिर आता हूँ आप लोगों के पास। कोड मैंने लिख दिया हुआ है, ये 8 नंबर हमारा एग्जांपल है, ध्यान दीजिएगा ज़रा सा, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल है। सरेंडर हमने लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट हमने टेम्पलेट का नाम लिखा है, यहाँ मैंने दो प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई, पहला है nm की जिसका वैल्यू मैंने लिखा है Django, दूसरा हमारा st की है जिसका वैल्यू दिया है मैंने 5। अभी यहाँ पर देखिए टेम्पलेट में मैंने क्या क्या किया हुआ है, ये 8.1 एग्जांपल हमारा, इफ़ nm जिसमें कि हमारा Django है, एंड ऑपरेटर हमने लगाया हुआ है st, अगर ये दोनों ट्रू होगा तो इसके अंदर का कोड यानी कि H3 में जो आपने लिखा है ये आपको इवेलुएट होकर दिखाई देगा। अभी इसमें क्या होता है, जब आप इस तरीके से यूज़ करते हैं, अपने वेरिएबल यूज़ किया, फिल्टर यूज़ किया, वहाँ तक सब कुछ ठीक रहता है, जब आप इस तरीके से टैग्स यूज़ करते हैं तो एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि हमें पता नहीं चलता है कि कौन सा हमारा ऑपरेटर है, कौन सा हमारा इफ़, कौन सा हमारा टैग है, मतलब कीवर्ड है, कौन सा हमारा वेरिएबल है, तो ये हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है यहाँ पर इसको देखने से। तो
एक एक्सटेंशन है विजुअल स्टूडियो कोड में, अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करते हैं तो ज़रा सा आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। एक्सटेंशन में आना है, देन आपको लिखना है जेंगो टेम्पलेट आई गेस लैंग्वेज मिले तब तो टेम्पलेट लैंग्वेज में देख लेता हूँ ज़रा, 8 लाख करीब उसका, ये वाला आई थिंक है जेंगो। तो देख लीजिए ये डेवलपर का नाम लिखा हुआ है और ये 8 लाख से ज़्यादा इंस्टॉल किया गया। तो ये वाला जो एक्सटेंशन है ये आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। इसको डाउनलोड करने से क्या होगा कि आपका जो देखिए इफ़ इसमें इस कलर का दिखाई देगा, मतलब थोड़ा सा कलर बढ़िया हो जाएगा तो आपको देखने में ईजी पड़ेगा। इसको इंस्टॉल मैंने किया हुआ है, थोड़ा सा वक्त लगता है, इसको इंस्टॉल होने देते हैं फिर मैं आपके पास वापस आता हूँ। चलिए इंस्टॉल हो गया बेहद ही जल्दी, इंटरनेट फास्ट है। इसको कर दीजिए क्लोज, रीलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हमारा देखिए कलरफुल हो गया। अभी इफ़ हमारा एक अलग कलर में, हमारा जो वेरिएबल है वो अलग कलर में और हमारे ऑपरेटर्स जो हैं अलग कलर में, तो ये एक बढ़िया सा यंत्र हमें मिल जाता है VS कोड में। बाकी मुझे पता नहीं है सबलाइम में है या नहीं या एटम में है या नहीं, आप देख लीजिएगा जहाँ से भी आप इंस्टॉल करते हैं एक्सटेंशन, मे बी उसमें भी होगा क्योंकि वो सारे भी फेमस है। तो ये छोटा सा एक्सटेंशन था। वापस से हम लोग अपने कॉन्सेप्ट में आते हैं। यहाँ पर इफ लिखा हुआ है NM एंड ST, यानी कि NM और ST दोनों ही ट्रू होगा तो इसके अंदर का कोड ये वैलिड होगा। अभी दोनों ही ट्रू होगा बिकॉज दोनों में ही हमने वैल्यू दिया हुआ है। आप एक बार देख लीजिएगा एक का वैल्यू हटाकर कि ये सही होता है या नहीं, या मैं आपको करके दिखाऊँ। करके दिखाने से क्या हो, समय थोड़ा सा ज़्यादा, देखें कितना एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है यार। आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से नॉलेज मिलेगी। तो मैं बस बता देता हूँ कि इसमें NM और ST दोनों में ही वैल्यू होगा तो ये आपका चलेगा, दोनों में से अगर एक में वैल्यू नहीं रहा तो ये नहीं चलेगा। उसी तरीके से NM ST इसमें OR ऑपरेटर लगा, और OR ऑपरेटर का मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक में वैल्यू होना चाहिए, दोनों में से कोई एक इवैल्यूएट होना चाहिए ट्रू, तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा और आपको ये दिखाई देगा। उसी तरीके से इफ़ नॉट, अगर ये नॉट है तो ये आपको रन करके दिखाई देगा। फिर आप ये कंडीशन हमने लगा है कि NM इक्वल अगर जेंगो होगा तभी आपका ये रन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इतना बोलने से अच्छा है कि मैं आपको दिखा दूँ सही में। देखिए मैं शुरू से आपको दिखाता हूँ, ठीक है, एक एक करके इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि बोलने में ज़्यादा समय जा रहा है और पता चलेगा कि बोलते ही रह गए हम लोग। तो यहाँ से हमारा ये फंक्शन तो सेम रहेगा जिसमें NM जेंगो जा रहा है और ST5 जा रहा है। अभी देखिए हमारा NM है जेंगो, ST5 दोनों हमारे इवैल्यूएट होगा ट्रू, इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। मैंने सेव किया, सेव करने के बाद इसको रन करेंगे तो हमें 5 सीट्स जो ST का वैल्यू था वह अवेलेबल फॉर जेंगो जो NM का था वह हमें दिखाई देता है। इनमें से किसी एक का भी अगर हमने बर्बाद कर दिया, जैसे कि हम लोग इसमें से ST को पास नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल किसी एक को भी, तो मैंने ST को नहीं किया, इस केस में NM तो आएगा बट ST नहीं आएगा। इस केस में दोनों में से एक फॉल्स हो गया तो ये हमारे इसके अंदर का कोड नहीं चलेगा और ये हमें ब्लैंक दिखाई देगा। इसको वापस से ठीक कर देता हूँ मैं। ओके, तो ये हो गया। अभी और देखिए, और में क्या है कि दोनों अगर है तो बढ़िया है, दोनों है तो इस केस में ये हमें दिखाई देगा। अगर दोनों में से किसी एक को हम गायब भी कर देते हैं, यहाँ पर हमने किसी एक को अगर गायब भी कर दिया, इसको गायब कर दिया तो भी ये चलेगा बिकॉज दोनों में से कोई एक होना चाहिए इसके लिए, दोनों में से एक है तो ये हमारा अभी भी चलेगा, बस इसका वैल्यू हमें देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज उसका वैल्यू आया ही नहीं है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल मैं ज़रा जल्दी से लिख लेता हूँ। फिर नॉट है तो मैं यहाँ क्विकली आपको नॉट करके दिखा देता हूँ। अरे यार, नॉट कर दिया मैंने। नॉट करने के बाद यहाँ पर हमें ये चेंज करना पड़ेगा, सीट्स नॉट अवेलेबल, सीट्स नॉट अवेलेबल। तो इसको मैंने सेव किया, यहाँ से हमारा ST आ रहा है, ध्यान रखिएगा ST का वैल्यू आ रहा है तो इस केस में हमारा ये दिखाई नहीं देगा। जब नॉट रहेगा, नॉट ST, जब ST नहीं रहेगा उस केस में वह हमारा ट्रू होगा, ST अब हमारा नहीं है तो उस केस में हमारा ये ट्रू रहेगा और हमें ये दिखाई देगा सीट्स नॉट अवेलेबल। ओके, तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया। अभी हम लोग कंडीशन वाला देख लेते हैं, ये हटाना है हमें, मैं आपको एक कॉपी करके दिखाता हूँ। ये हमारा कंडीशन वाला है, ठीक है, इसमें हमने इफ लिखा हुआ है NM, अगर NM इक्वल जेंगो है तो ये हमें दिखाई देगा, अदरवाइज हमें दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ देखिए NM हमारा जेंगो है, स्पेल एकदम करेक्ट होना चाहिए, जेंगो है तो जेंगो ही है चूँकि, इसलिए हमें ये दिखाई देगा। मैंने सेव किया, सेव करने के बाद इसको करेंगे रन तो हमें दिखाई देगा हेलो जेंगो।
तो एनएम में जो वैल्यू था हमें वह दिखाई दे रहा है। अगर इसका हम लोग स्पेल चेंज करते हैं, मान लीजिए टैंगो कर दिया, टेजेंगो कर दिया, तो हमें ये हमारा मैच नहीं करेगा। एनएम में है जेंगो और यहाँ हमने कर दिया टी जेंगो, तो ये चलेगा नहीं, तो ये दिखेगा नहीं कंडीशन फॉल्स होने की केस में। अभी ये वाला देखिए, एनएम जेंगो एंड हमने लगाया, यानी कि ये कंडीशन भी हमारा ट्रू होना चाहिए और ये कंडीशन भी हमारा ट्रू होना चाहिए, तभी हमारा ये चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो इस केस में दोनों ही हमारा ट्रू होगा, बिकॉज हमने एनएम जेंगो लिखा और एस टी वी का वैल्यू मैंने 5 दिया। तो सेव किया, सेव करने के बाद रन करेंगे तो हमें दोनों ही रन होकर ठीक तरीके से दिखाई देगा। दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होता है, मान लीजिए हमने 6 कर दिया, आ रहा है 5 बट हमने यहाँ पर चेक किया है 6 के लिए, तो इस केस में ये हमारा चलेगा नहीं और हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। वही अगर यहाँ पर और लगा देते हैं, तो इस केस में दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू होता है तो हमारा ये वाला चलेगा। बस इसका हमने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रन करेंगे तो देखिए हमारा ये रनों का दिखाई, यहाँ आपको 5 दिखाई देगा, बिकॉज एस टी का वैल्यू हम लोग पास कर रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पर चेंज किया हुआ है, न कि अपने फंक्शन में, तो ये भी ध्यान में रखने का। देन इफ नॉट देखिए, इफ नॉट एस टी 5, अगर 5 नहीं है तो सीट्स नॉट अवेलेबल, लेकिन हमारा एस टी 5 है, इससे हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर चेंज कर देता हूँ मैं, हमारा ये 7 कर देते हैं। इफ़ नॉट एस टी 7, जो कि सही है, एस टी हमारा 5 है, 7 नहीं है, उस केस में हमें दिखाई देगा सीट नॉट अवेलेबल। अब ये एग्जांपल देखिए जिसमें मैंने फ़िल्टर यूज़ किया हुआ है, तो इफ़ एन एम फिल्टर हमने लेंथ लगाया हुआ है, अगर एन एम का लेंथ हमें मिलता है ग्रेटर देन या इक्वल 4 तो ही ये चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो एन एम का लेंथ अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा बहुत सारा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के लगभग मिल जा रहा है, इतना होगा, गिन लीजिएगा। ठीक है, मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद ये बहुत ईजी से ईजी चीज़ है, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ क्योंकि हेलो जेंगो हमें ये रन होकर देखने को मिल जा रहा है। अब हमारा इफ़ के बाद हम लोग देख रहे हैं कि जब हमारा ये ट्रू होता है तब तो हमें ये दिखाई देता है, बट जब ये फॉल्स होता है तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, विच इज़ बैड। तो दिखाई दे फॉल्स होने पर भी, इसीलिए हम लोग इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं। तो इफ़ एल्स यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, मैं लिख कर दिखाऊँगा इस बार जी आपको। तो कर ली ओपन, कर ली क्लोज, देन आपको लिखना है ओपनिंग क्लोजिंग, और यहाँ पर लिखना है इफ़, और मैं सिंपल सा दिखा रहा हूँ, अगर इसमें वैल्यू वैल्यूएट होगा तो आपको H3 हेलो और जो भी इसमें होगा वह हमें दिखाई देगा, अगर ये ट्रू हुआ तो। अगर फॉल्स हो गया तो उस केस के लिए हम लोग यहाँ एल्स पार्ट में लिखेंगे, तो उसके लिए भी हमें कर्ली ओपन कर्ली क्लोज देना है, देन 2% का साइन देना है, देन यहाँ सिंपली स्पेस देकर एल्स लिखना है, बाकी इसके अंदर जो लिखिएगा लिखिए। लिखा नो कोस अवेलेबल, अगर एन एम में वैल्यू होगा तो हेलो जेंगो दिखाई देगा, अगर एन एम में वैल्यू नहीं होगा यानी कि अगर वो फॉल्स इवेलुएट होता है तो एल्स पार्ट में आएगा नो कोस अवेलेबल दिखाई देगा। अभी के लिए फंक्शन देखिए, यहाँ पर जेंगो है यानी कि एन एम में वैल्यू है, तो हेलो जेंगो आपको देखने को मिलेगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद रन किया, ओके यहाँ पर हमने इंड इफ नहीं लिखा हुआ, यही होता जब रात बढ़ जाती तो मेरा दिमाग धीरे धीरे डाउन होने लगता है। ओके, तो मैंने यहाँ पर मिस कर दिया है, अभी इंड इफ़ मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है इंड इफ़ तो करना पड़ेगा ना। अभी इसको वापस से रन करते हैं, देखिए हेलो जेंगो दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर ये यहाँ से नहीं होता, यहाँ से हमने एनएम को पास नहीं किया, उस केस में यहाँ पर कुछ आएगा नहीं तो ये फॉल्स हो जाएगा, देन एल्स रन करेगा और आपको नो कोर्स अवेलेबल का मैसेज आएगा, ब्लैंक नहीं आएगा, देखिए नो कोर्स अवेलेबल आ रहा है, तो ये एक बढ़िया अच्छी बात है। अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये इफ़ एनएम इक्वल, मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर ये जेंगो है यहाँ पर, उसको वापस ले आते हैं, ये जेंगो है मैच करेगा तो ये करेगा, अदरवाइज एल्स में नो कोर्स अवेलेबल करेगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश किया, तो अभी मैच कर रहा है तो हेलो जेंगो है, अगर मैच नहीं करेगा, अगर मैं टी कर दूँ तो ऐसा तो कोई आ नहीं रहा एनएम में जेंगो आ रहा है, हमने यहाँ टी जेंगो कर दिया। इस केस में ये हमारा इफ़ फॉल्स होगा, एल्स में आएगा और नो कोर्स अवेलेबल में देखने को मिलेगा। सेव किया, सेव करने के बाद इसको रन करेंगे तो देखिए हमें नो कोर्स अवेलेबल मिल रहा है। तो इफ़ एल्स यहाँ पर हमारा ख़त्म हो जाता है। अभी मैं आपको इफ़ एलिफ बताता हूँ, मैं डायरेक्ट आपको कोड बता रहा हूँ, ठीक है, हम लोग पीपीटी में भी मैंने रख दिया हुआ, जो लोग पीपीटी डाउनलोड करेंगे उनको मिल जाएगा नोट्स के तौर पर, बट मैं डायरेक्ट आपको कोड में बता रहा हूँ, तो मैं कोड लिखता हूँ ज़रा सा। देखिए इसमें मैंने लिखा है इफ़ एन एम है तो ये अगर चले ये चलेगा, अगर एल इफ़ अगर एस टी है तो ये चलेगा, अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो एल्स पार्ट चलाएगा और नो कोर्स अवेलेबल दिखेगा।
तो एक एक करके करते हैं, पहले हम लोग एनएम को पास करते हैं। तो ये कट कर दिया मैंने, पहले एनएम पास हुआ तो हमारा इफ़ एनएम ये ट्रू हो जाएगा और हेलो जेंगो आपको देखने को मिलेगा, बाकी कोई भी इवैल्यूएट नहीं होगा। जहाँ उसको मैच हो जाता है वह वहीं रुक जाता है, तो आपको हेलो जेंगो दिखाई देगा। अभी अगर हेलो जेंगो नहीं है, मतलब एसटी तो है बट एनएम का वैल्यू नहीं जा रहा है, यहाँ से इसको कट कर देते हैं। इस केस में क्या होगा, इस केस में ये फॉल्स हो जाएगा, फिर ये इसको चेक करेगा, इफ़ में आएगा और एसटी को चेक करेगा। एसटी में वैल्यू है 5 है अभी, तो सीट्स 5 हमें देखने को मिलेगा। तो मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद हमें यहाँ पर देखिए सीट्स 5 देखने को मिलता है। अगर ये भी नहीं है, मान लीजिए कि हमने इसको दिया ही नहीं, तो ना तो एनएम है ना ही हमारा एसटी है, उस केस में ये क्या होगा, ना तो एनएम है ना तो एसटी है, उस केस में ये एल्स पार्ट में आएगा, नो कोर्स अवेलेबल हमें देखने को मिलेगा। मैंने इसको सेव किया, रन किया तो नो कोर्स अवेलेबल, इसको वापस से डिफ़ॉल्ट मोड में ले आता हूँ। देन नेक्स्ट एग्जांपल हमारा कंडीशन वाला है कि एनएम में अगर जेंगो है तो ये चलेगा, एसटी में अगर 5 है तो ये चलेगा, अगर दोनों हो जाता है तो एल्स पार्ट में आएगा और नो कोर्स अवेलेबल आपको देखने को मिलेगा। अभी दोनों ही ट्रू है, अच्छा एक को वॉल्स कर देता हूँ मैं, देखिए मैंने ये कर दिया, हटा दिया। अभी एनएम ट्रू है तो एनएम का हेलो जेंगो में देखने को मिलेगा, बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जांपल 8 का पूरा सीरीज़ है, जिसमें 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9.1, 8.9.2 और 8.9.3, 8.9.4 करके आपको कोड मिलेगा, इस तरीके से एग्जांपल लिखा हुआ। लास्ट में बताऊंगा कि कोड कहाँ से मिलेगा। ओके जी, कोड कहाँ से मिलेगा आपको, कोड हमारी वेबसाइट से मिलेगा, www.geekysource.com पर आपको जाना है, वहाँ से आपको डाउनलोड करना है और कोड सारा वहीं पर मिलेगा जहाँ जेंगो का पूरा पैक होगा प्रकोर्स का, उसी में ये भी मिल जाएगा, ये अलग से कहीं रखा हुआ नहीं है मैंने उसी में रखा हुआ है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर मुझे याद रहा तो, और अगर याद नहीं रहा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट देख कर मैं उसको डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो ये है, तो हमारा इफ़ का पूरा काम खत्म हो गया। अभी हम लोग फोर में आएंगे, फोर लूप भी यहाँ हमें मिलता है, उसमें भी हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी की आवश्यकता है। डिटेल में हम लोग फोर लूप पढ़े हैं, उससे पहले डॉट लुकअप जान लीजिए डिटेल का। टेक्निकली व्हेन द टेम्पलेट सिस्टम इनकाउंटर अ डॉट इट ट्राइज द फॉलोइंग लुकअप इन दिस ऑर्डर, ये ऑर्डर में है, पहले ये ट्राई करेगा अगर डॉट में लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा सिस्टम डॉट समथिंग, आर्टिकल डॉट कुछ भी लिखा, आर्टिकल डॉट समथिंग इस तरीके से लिखा, तो डॉट का वहाँ क्या मीनिंग होता है, कैसे जब ये टेम्पलेट सिस्टम जब इनकाउंटर करेगा डॉट को तो किस ऑर्डर में किस चीज़ को फॉलो करता है, वही देखने वाले हैं। तो जब भी इसको डॉट मिलेगा तो ये पहले चेक करेगा कि क्या वह डिक्शनरी है, अगर है तो उसको इवैल्यूएट करके आपको दिखा देगा, अगर डिक्शनरी नहीं है, उसको नहीं मिलता है कि नहीं डिक्शनरी कोई भी इस तरीके से पास नहीं किया गया अभी फंक्शन से, या फिर कहीं से भी नहीं आया है हमारे टेम्पलेट के पास, तो कहेगा फिर डॉट क्या है, क्या फिर डॉट एट्रीब्यूट है या फिर मेथड है, कहेगा नहीं ये एट्रीब्यूट और मेथड के तौर पर भी नहीं है मुझे दिख रहा है कहीं से इसका सोर्स, तो फिर ये चेक करेगा न्यूमेरिक इंडेक्स है क्या। तो डॉट का तीन मीनिंग होता है यहाँ पर, और ये ऑर्डर सिस्टम है, या अगर वो डिक्शनरी के रूप में पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई हो जाता है तो डिक्शनरी ही मान लिया जाएगा, अगर वो मेथड के रूप में आइडेंटिफाई हो तो मेथड मान लिया जाएगा, और एट्रीब्यूट के रूप में होता है तो एट्रीब्यूट, वरना लास्ट में ये न्यूमेरिक इंडेक्स के रूप में माना जाएगा। तो ये डॉट लुकअप है, डॉट का तीन मीनिंग है अलग अलग टेम्पलेट इंजन में। अब कुछ फॉर लूप के कुछ सिंपल सिंटैक्स और एग्जांपल देखिए। फॉर लूप लिखने का तरीका वही है, आपको लिखना है कर्ली ओपन कर्ली क्लोज %% देन स्पेस देकर लिखना है फोर, यहाँ कीवर्ड आपको लिखना है वेरिएबल, यहाँ कुछ भी आप लिख सकते हैं, इन यहाँ कीवर्ड लिखना है, वेरिएबल्स यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी होगा आपका वेरिएबल बनकर आएगा आपके भी फंक्शन से, वह यहाँ पर लिखना है, देन उसका एक एक एलिमेंट जाएगा वेरिएबल में और वह आपका इवेलुएट होकर आपको वेब पेज में देखेगा। फोर का भी यहाँ इंड टैग आपको देना है जो कि है इंड फोर। सिंटैक्स इसका, इसमें ये लिस्ट हम लोग कोई अगर लिस्ट बनाना चाहते हैं, जैसे स्टूडेंट के नाम का लिस्ट है मुझे बनाना है, तो मैं इसको एचटीएमएल के साथ लिखूंगा पहले यूएल टैग, देन फोर लूप लिखूंगा फोर एसटीयू इन स्टूडेंट, स्टूडेंट मेरा किसी डिक्शनरी का की होगा जिसमें सारे स्टूडेंट के नाम लिखे होंगे, वह की यहाँ पर आकर मेरा वेरिएबल बना, उस वेरिएबल में से पहला वैल्यू मैंने रखा एसटीयू में, देन वह डिस्प्ले होगा, ये लूप फिर से चलेगा, देन
स्टूडेंट का दूसरा वैल्यू आएगा एसटीयू में, देन होगा फिर डिस्प्ले होगा, इस तरीके से डिस्प्ले होता जाएगा तब तक जब तक कि सारा वैल्यू ख़त्म नहीं हो जाता, देन हमारा यूएल बंद हो जाएगा। इसके अलावा आप एम्प्टी भी दे सकते हैं, अगर आपका एम्प्टी है, खाली है, वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं आता है उस केस में आप दे सकते हैं। तो ये तो वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक नया टैग हमें देखने को मिल जाता है, एम्प्टी टैग। ये एम्प्टी टैग तभी हमारा काम करेगा जब हमारा जो वेरिएबल है उसमें कोई वैल्यू ना हो, खाली हो। अगर वैल्यू है फिर तो वह लूप करेगा और आपको उनके वैल्यूज़ दिखाई देंगे, यानी कि वेरिएबल इवैल्यूएट होकर उसका जो भी आउटपुट होगा वो आपको वेब पेज में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वो खाली है तो उस केस में एम्प्टी सेक्शन में जो लिखा जाएगा कोड वह आपको देखने को मिलेगा। यहाँ मैंने सिर्फ एम्प्टी लिख दिया हुआ है, एम्प्टी ई कैपिटल में लिखा हुआ वो टेक्स्ट है, वहाँ आप कोई भी एचटीएमएल का कोड लिख सकते हैं। देन की वैल्यू अगर आपको डिस्प्ले करना हो, क्योंकि डिक्शनरी है तो की वैल्यू आपको डिक्शनरी डिस्प्ले करने का सकता पड़ सकती है, उसके लिए आप इस तरीके से लिखेंगे डेटा डॉट आइटम्स इन, ये जाएगा डेटा डॉट आइटम्स में से जो की होगा वह की में जाएगा, जो वैल्यू होगा वो वैल्यू में जाएगा। यहाँ आइटम्स यहाँ पर एक प्री डिफाइंड है, तो आइटम्स ही आपको यहाँ पर लिखना है, डेटा हमारा डिक्शनरी होगा और आइटम्स आपको यहाँ पर लिखना है डॉट देकर, ओके जी। देन की वैल्यू में जो होगा उसको आप डिस्प्ले कर सकते हैं ईजीली। तो पहले इतना देखते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ इसमें प्री डिफाइंड फॉर लूप वेरिएबल्स हमें दिए गए हैं वह मैं आपको बताऊंगा, पहले इतना देख लेते हैं। यहाँ से शुरू होता है हमारा एग्जांपल नंबर 9, जिसमें 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 तक आपको देखने को मिलेगा फॉर लूप से रिलेटेड। तो पहले एक सिंपल सा मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, इसको हम लोग इस बार हटाएंगे नहीं। एक स्टूडेंट नाम का मैं बनाता हूँ डिक्शनरी इक्वल, जिसका की है नेम्स, और इसका वैल्यू हम लोग जनरली ऐसे देते हैं नेम में, मान लीजिए राहुल, बट यहाँ राहुल नहीं देंगे, ये एक नाम हो जाएगा, हमें एक नाम का लिस्ट चाहिए, तो मैं यहाँ लिस्ट बनाऊँगा। अब की बार मेरा डेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ये एक लिस्ट है जिसमें बहुत सारे नाम हैं, तो पहला हो गया राहुल, दूसरा हो गया सोनम, सोनम के बाद हो गया राज, उसके बाद है अनु, तो ये लिस्ट हो गया। अभी ये जो स्टूडेंट है हमारा, यहाँ पर हटा देता हूँ मैं, स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ध्यान रहे कि स्टूडेंट हमारा डिक्शनरी है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारा डिक्शनरी है, इसका की बनता है वेरिएबल, यानी कि स्टूडेंट का की क्या है, नेम्स है, तो ये नेम्स बनेगा यहाँ पर आकर वेरिएबल। तो अगर ये मैं पूरा का पूरा हटा दूँ और यहाँ पर सिंपली आपको ऐसे करके दिखाऊँ नेम्स, और मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद मैं इसको अगर रन करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको पूरा लिस्ट दिखाई देगा। जूम कर देता हूँ, देखिए यहाँ लिस्ट आपको दिखाई देगा, बट ये मुझे लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे इसका नाम प्रिंट करना है एक लिस्ट के तौर पर, या फिर नाम कम से कम प्रिंट होना चाहिए। अगर एचटीएमएल में ना यूज़ करूँ तो नाम प्रिंट होना चाहिए, इस तरीके से लिस्ट वाले फॉर्मेट में मुझे नहीं चाहिए, ओके जी। तो कैसे करेंगे, लूप चलाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो चलिए लूप चलाते हैं, कर ली ओपन कर ली क्लोज, %% देन स्पेस फोर लिखना है, कीवर्ड एज इट इज़, देन नेम इन नेम्स, यहाँ नेम्स हमारा क्या है, इस डिक्शनरी का की है जो कि यहाँ पर हमारा वेरिएबल बना है, और इसमें से एक एलिमेंट नेम में आएगा, या फिर अगर आपको नाम आइडेंटिकल लग रहा है तो आप इसको NM भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेम्स में से एक एक आएगा NM में, देन हम लोग सिंपली यहाँ पर NM को एज अ वेरिएबल डिस्प्ले कर लेंगे। फॉर लूप को बंद करना पड़ेगा वरना हमें एरर मिल जाएगा। तो %% और हम लोग यहाँ इंड फोर लिख देंगे। तो मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे, अभी नाम हमें एक साथ दिखाई देगा, देखिए राहुल, सोनम, राज और अनु में एक साथ दिखाई दे रहा है। अगर इसको आपको न्यू लाइन में ऐसे देखना है तो यहाँ एक आप HTML का टैग लगा दीजिए, BR टैग, देन ये आपको ऊपर नीचे इस तरीके से देखने को मिलेगा। या फिर आप और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप इसमें UL टैग लगा सकते हैं। तो ये UL टैग हो गया, हमारा काम नहीं करा HTML, लगता है Django HTML यहाँ दिखा रहा है इसी वजह से, कोई नहीं, हमारे टैग्स जो हैं ऑटो कम्प्लीट नहीं हो रहे हैं HTML वाले, इसको मुझे बाद में देखना पड़ेगा। तो ये बॉडी टैग के अंदर मैंने बना दिया हुआ है, और ये जो हमारा होगा ये LI बनेगा, एक एक LI, और ये भी हमारा
लाइव बनेगा। ओके जी, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद ही हमारा लिस्ट प्रॉपर अनऑर्डर्ड लिस्ट में देखने को मिलेगा बुलेट के साथ। तो ये हो गया हमारा फॉर लूप का एक बढ़िया सा एग्जांपल। मैं इसको यहाँ नेम कर देता हूँ, ज़्यादा सूट करता है। नेम्स में से एक एक नेम निकाला, इसलिए यहाँ पर नेम कर देते हैं। सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको रन करेंगे तो हमें सेम मिलेगा कोई आउटपुट, कोई इसमें फर्क आउटपुट में कोई भी अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी इसी में एक हमारा और कीवर्ड है, जैसे कि अगर आप ये देखेंगे ये राहुल सोनम राज अनु, अगर इसको आप रिवर्स करना चाहते हैं तो उस केस में सिर्फ आपको यहाँ पर रिवर्स्ड ऐसे लिखना है। इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये अनु ऊपर चली जाएगी, राज सोनम राहुल, ये रिवर्स हो जाएगा रिवर्स ऑर्डर में, मतलब रिवर्स में दिखेगा आपको जो भी दिखेगा। देन एम्प्टी वाला दिखा देता हूँ। रिवर्स यहाँ से, रिवर्स यहाँ से हटा देते हैं। अगर नेम्स आ रहा है तो नेम दिखेगा, अगर नहीं आ रहा है तो एम्प्टी में डाल देना है। तो एम्प्टी और एम्प्टी में क्या हमें दिखाई देगा, H3 या H2 जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं जी। मैंने H3 लिख दिया, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, और यहाँ H3 को मैंने दिया करके बंद। अभी इसको सेव करें। सेव करने के बाद इसको अगर रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पर लिस्ट देखने को मिल जाता है। बट अगर यहाँ से नहीं आता है, ये मान लीजिए स्टूडेंट ये नहीं आया, तो इस केस में मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको रन करते हैं तो हमें यहाँ देखने को मिलेगा यहाँ कुछ नहीं है। ओके, इसको वापस से करता हूँ, वार्निंग मिल रहा है, एरर नहीं है, वार्निंग है शायद, प्रॉब्लम वन दिखा रहा है। कोई बात नहीं, हमने इसको हटा दिया था, यूज़ नहीं कर रहे थे इसको डिक्शनरी को, इसीलिए। तो ये है आपका एम्प्टी के लिए। ओके, ये एम्प्टी वाला हटा देता हूँ यहाँ से। अभी कुछ आपको मैं दिखाता हूँ प्री डिफाइंड वेरिएबल्स। पहले टेबल दिखा देता हूँ फिर आता हूँ इसमें। प्री डिफाइंड फॉर लूप वेरिएबल्स इसको बोलते हैं। तो ये हमें प्री डिफाइंड वेरिएबल्स मिलते हैं कुछ। फॉर लूप डॉट काउंटर लिखिएगा तो करंट इटरेशन ऑफ द लूप आपको मिलेगा जो कि 1 से शुरू होता है। फॉर लूप डॉट काउंटर 0 लिखिएगा तो ये करंट इटरेशन आपको बताएगा लूप का जो कि 0 से शुरू होता है। उसी तरीके से रिवर्स काउंटर के लिए REV काउंटर लिखना होता है जो कि 1 से शुरू होता है। फिर फॉर लूप REV काउंटर 0 तो 0 इंडेक्स्ड रहेगा। फिर फॉर लूप फर्स्ट लिखिएगा तो जो फर्स्ट लूप होगा उसमें आपको ट्रू मिलेगा, बाकी सब में फॉल्स मिलेगा। उसी के सिमिलर फॉर लूप डॉट लास्ट लिखिएगा तो ये आपको लास्ट में ट्रू देगा, बाकी सब में फॉल्स देगा। चेक करने का है कि आपका पहला लूप चला तो आप क्या करना चाहते हैं, और बाकी सारे लूप में आप जो मर्जी वो कीजिए। उसी तरीके से लास्ट लूप में आप कुछ अगर अलग करना चाहते हैं तो उसको आप चेक करने के लिए फर्स्ट और लास्ट वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है फॉर लूप डॉट पैरेंट लूप। ये पैरेंट फॉर नेस्टेड लूप, नेस्टिंग लूप करेंगे तो उसमें ये काम आता है। इसमें आप सारी चीज़ें ऊपर में जो देख रहे हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फॉर लूप डॉट पैरेंट लूप डॉट काउंटर, फॉर लूप डॉट पैरेंट लूप डॉट काउंटर 0, देन REV काउंटर डॉट देखा, मतलब आगे ऊपर में जो आप देख रहे हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, फॉर लूप है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट में जो जो है वो STUM आता जाएगा। फिर आपको फॉर लूप डॉट काउंटर लिखिएगा तो ये आपको 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी वो नंबर करके प्रिंट होकर दिखाई देगा इन फॉर लूप। चलिए क्विकली इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा। तो नेम्स ये सेम रहेगा, नेम भी हम लोग ले लेते हैं। हम लोग ये जो हमारा है ये मैं हटा देता हूँ कि ये हमें आ सकता नहीं, ये पर रहने देते हैं यार, आप लोग देख ही लो, नहीं इसको हटा देते हैं। ये हट गया और यहाँ से ये हट गया। अभी मुझे नंबर के साथ चाहिए तो मैं नंबर यहाँ से मैनुअली लिखने के बजाय जो हमारा प्री डिफाइंड वेरिएबल उसका यूज़ कर सकता हूँ। तो फॉर लूप डॉट काउंटर ये 1 इंडेक्स्ड हमें प्रिंट करके देगा और स्पेस कर दिया, ये हमें एक लाइन में ना दें इसलिए हम लोग यहाँ पर एक लाइन ब्रेक यूज़ कर लेते हैं। सेव किया है मैंने इसको। सेव करने के बाद इसको रन करेंगे तो देखिए हमें 1, 2, 3, 4 फॉर लूप काउंटर से मिल जा रहा है और हमारा नाम तो है ही। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। काउंटर लिखा तो मैंने, अगर 0 से शुरू करना, अभी ये 1 से शुरू था तो आप यहाँ 0 लिखिए, ये 0 से आपको शुरू होकर दिखाई देगा। देन फर्स्ट, अगर आपको चाहिए कि फर्स्ट वाला हमारा दिखे तो आपको फर्स्ट यहाँ लिख दीजिए, फर्स्ट में आपको ट्रू मिलेगा, बाकी सब में आपको ये फॉल्स वैल्यू देगा। देखिए ट्रू मिल रहा है फॉल्स फर्स्ट में, बाकी सब में फॉल्स फॉल्स फॉल्स। उसी तरीके से लास्ट अगर देखते हैं
तो लास्ट में आपको ट्रू मिलेगा, बाकी सब में फॉल्स। तो लास्ट मैंने कर दिया और मैंने इसको कर दिया रिफ्रेश, तो लास्ट वाले में ट्रू है, बाकी सब में फॉल्स है। उसी तरीके से आर ई वी होता है, एक आर ई वी काउंटर। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको अगर रन करेंगे तो देखिए वो ये ऊपर से आपको दिखाई देगा 4321, या फिर ज़ीरो इंडेक्स्ड चाहिए तो आप यहाँ पर ज़ीरो लिखिए, सेव कीजिए। सेव करने के बाद इसको रन करेंगे तो आपको ये 3210 तक दिखाई देगा। देन एक लास्ट हमारा बच गया पेरेंट वाला, पेरेंट लूप, वो हम लोग देखेंगे जब हम लोग नेस्टेड लूप देखेंगे तब। उससे पहले कुछ और चीज़ समझ नहीं कर सकता है, एक कॉम्प्लिकेटेड डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और डरने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा बनेगा एग्जाम्पल नंबर 10, तो इसको मैं हटाता हूँ इस पूरे को, और ये है हमारा एग्जाम्पल। ओके, ये मैं इंडेंट बता रहा है रॉन्ग, तो मैंने इसको प्रॉपर इंडेंट कर दिया। इसको पहले समझ लीजिए फिर हम लोग टेम्पलेट लिखेंगे। तो फंक्शन बनाया है हमने, हमने STU एक डिक्शनरी बनाया है, इस डिक्शनरी के अंदर में डिक्शनरी यानी कि नेस्टेड डिक्शनरी है। इस डिक्शनरी का एक की है STU1, इसके अंदर डिक्शनरी है उसका, उसमें कीज़ हैं एक नेम नाम का, एक रोल नाम का। फिर STU2 है दूसरा, इस डिक्शनरी का STU डिक्शनरी का एक दूसरा की है STU2 जिसमें अपना है। फिर STU3, फिर STU4, यानी कि ये नेस्टेड डिक्शनरी हमारा है। अब इस नेस्टेड डिक्शनरी को भी मैंने क्या किया कि एक डिक्शनरी में असाइन किया स्टूडेंट नाम का, देन इस स्टूडेंट्स को मैंने भेजा है यहाँ पर। तो इसको ज़रा सा पहले समझ लीजिए कि स्टूडेंट्स हमारा एक डिक्शनरी है, तो इसका की यानी कि स्टूडेंट यहाँ का एक वेरिएबल बन सकता है। लेकिन स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट भी एक डिक्शनरी को होल्ड किए हुए हैं, तो इस डिक्शनरी का की STU1 यहाँ का एक वेरिएबल बनेगा। फिर इसके अंदर भी अपना की है यानी कि नेम है, तो नेम भी यहाँ का एक वेरिएबल बनेगा। देन रोल भी है तो रोल भी एक वेरिएबल बन सकता है। अभी ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हमारा क्लियर हो जाएगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट्स हमारा डिक्शनरी है जिसका की है स्टूडेंट, तो ये हमारा एक वेरिएबल है। उस वेरिएबल में क्या है जी, ये देखना है हमें। तो हम लोग कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, फिर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और यहाँ पर सिंपल लिखेंगे स्टूडेंट। स्टूडेंट्स नहीं लिखा है मैंने, याद रखिए एस नहीं लगाया हुआ, ये डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी का की है ये, और ये की बनता है यहाँ वेरिएबल। तो मैंने स्टूडेंट लिखा, सेव किया, सेव करने के बाद इसको करेंगे रिफ्रेश, तो हमें ये मिलता है, हमें ये मिलता है डिक्शनरी के फॉर्म में पूरे का पूरे। देख सकते हैं आप इसमें STU1 है एक की जिसका ये पूरा का पूरा अपना वैल्यू, फिर STU2 एक की है जिसका अपना ये पूरा का पूरा वैल्यू है, देन STU3 एक की है जिसका अपना पूरा का पूरा एक वैल्यू, देन STU4 है जिसका अपना पूरा का पूरा एक वैल्यू है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और अंदर जाते हैं, यानी कि STU1 एक की है, तो STU1 हमारा एक वेरिएबल बन सकता है। लेकिन उस STU1 तक जाने के लिए आपको इस स्टूडेंट का सहारा लेना पड़ेगा, तो student.stu1 सेव कीजिए इसको। मैं यहाँ पर एक लाइन ब्रेक दे देता हूँ, या फिर इसको H3 के अंदर लिख देता हूँ, सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा H3 यहाँ पर, और H3 क्लोजिंग इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और इसको भी कॉपी करके यहाँ पर कर दिया पेस्ट। इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कर दिया। ओके, तो ये हमारा सही आ रहा है। देखिए स्टूडेंट हमारा ये वाला आउटपुट ऊपर में दे रहा था, देन STU1 किया तो इसका, देखिए STU1 ये की और इसका यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, तो हमें ये मिल गया। अगर इसके भी अंदर जाना है तो हमें नेम को पकड़ना पड़ेगा, तो हमें राहुल मिल जाएगा। मतलब हमारा मकसद है राहुल को देखना और 101 जो वैल्यूज़ हैं उनको देखना। तो राहुल के लिए हमें पहले स्टूडेंट, देन STU1, देन नेम, तो हमें राहुल मिल जाएगा। फिर स्टूडेंट STU1 देन रोल, तो हमें 101 मिल जाएगा। लेकिन अगर STU2 का चाहिए तो फिर आपको स्टूडेंट STU2 करना पड़ेगा, जिससे आपका ये पूरा मिलेगा आपको, देन उसके नेम में जाना है, उसके रोल में जाना है। मैं पूरा कोड आपको लिख कर दिखाता हूँ तो आपको ईजिली समझ में आएगा। देखिए STU1 देखा, अभी हमें मैं पूरा कोड लिख लेता हूँ। देखिए पहले स्टूडेंट को देखेंगे तो हमें पूरा मिल जाएगा डेटा, उसके बाद STU1 के अंदर STU1 का क्या वैल्यू हो उसको देखेंगे, STU2 STU3 STU4 को देखेंगे,
HT1 के नेम को देखेंगे तो हमें इसका नाम मिल जाएगा, HT1 के रोल को देखेंगे तो इसका रोल मिल जाएगा, HT2 का नेम इसी तरीके से, बाकी सभी का नेम रोल नेम रोल नेम रोल हमें देखने को मिल जाएगा। इसको मैंने सेव कर लिया है और हम लोग इसको करेंगे जी रिफ्रेश। देखिए सबका नेम रोल नेम रोल नेम रोल हमें नीचे मिल रहा है वैल्यू के तौर पर, लेकिन इसको एक्सेस कैसे किया है वही मैंने यहाँ पर आपको बताया है। पहले आपको स्टूडेंट में जाना पड़ेगा जिससे आप HT1 HT2 HT3 HT4 इन कीज़ को एक्सेस कर पाएंगे। फिर जब आप HT1 को पकड़ेंगे यानी कि स्टूडेंट को से पकड़ते हुए जब आप HT1 में पकड़ेंगे तो आपको इसका नेम और रोल की मिलेगा। जब आप स्टूडेंट से होते हुए HT1 और नेम में जाएंगे तब जाकर आपको इस नेम का वैल्यू मिलेगा जो कि है राहुल। उसी तरीके से रोल के लिए भी, उसी तरीके से बाकी HT1, HT2, HT3, HT4 के लिए भी सेम केसेस अप्लाई होती हैं। तो ये दिखाने का मेरा क्या मकसद था, ये दिखाने का मेरा ये मकसद था कि इस तरीके का कॉम्प्लिकेटेड डेटा आपको देखने को मिलेगा या फिर बनाना पड़ेगा आपको। इतना ही नहीं, आपको डिक्शनरी भी इसके अंदर में मिल सकता है, सॉरी लिस्ट भी मिल सकता है, यानी कि एक डिक्शनरी बनाया, डिक्शनरी के अंदर लिस्ट लगा, हमने ऐसा एग्जाम्पल शायद देखा हुआ है छोटा सा, राहुल सोनम राज अनु करके जो एग्जाम्पल था उसमें देखा हुआ था, बट उसमें सिर्फ सिंगल था, इसमें आपको मल्टीपल लिस्ट मिल सकता है, तो वैसा ही हो सकता है, लिस्ट ऑफ लिस्ट भी हो सकता है। तो कोई भी डेटा टाइप यहाँ हो सकता है, लेकिन आपको फॉर्मेट हमेशा भेजना है डिक्शनरी में, ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से डिक्शनरी बना कर भेजना। बाकी एक्सेस करने का सिंपल सा ट्रिक ये है, आप ज़्यादा कन्फ्यूजन दिमाग में नहीं रखिए, सिंपल सा तरीका ये है कि यहाँ जो भी आप डिक्शनरी भेजते हैं उसका जो की होता है वह यहाँ का वेरिएबल बनता है। उसके बाद आप एक एक स्टेप आगे बढ़िए, अंदर जाइए, इसका इस की का वैल्यू आपको मिल जाएगा ये पूरा, तो इसमें से की निकालिए, फिर उसके अंदर के वैल्यूज़ मिल जाएंगे आपको, फिर इनमें से किसी का की निकालिए तो उसका वैल्यू मिल जाएगा। इस तरीके से आप स्टेप बाई स्टेप जब डाउन जाएंगे तो आपको अपने आप पूरा पता चल जाएगा कि क्या फ्लो है वैल्यू को पकड़ने का। ये क्यों बताया मैंने आपको, क्योंकि आपको जब कॉम्प्लिकेटेड डेटा मिलेगा अलग अलग टाइप का तो हर चीज़ का एग्जाम्पल आपको नेट में नहीं मिलेगा, तो आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना पड़ेगा कि कैसे जाकर वैल्यू का गर्दन दबाना है। तो ये है तरीका, धीरे धीरे पकड़ना पड़ेगा आपको, आप अचानक से आकर उसको पकड़ नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ ध्यान में रखिएगा। प्लस आपको ध्यान में रखना ये है कि ये डॉट है अभी डिक्शनरी के तरीके से चल रहा है, ये पहला ऑर्डर में पहला होता है, हो सकता है कि कोई एट्रीब्यूट हो किसी क्लास का, किसी क्लास का मेथड हो वो भी हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ हमारा, इससे हमारा ये हुआ कि हमारा एग्जांपल नंबर 10 यहीं पर ख़त्म हो गया। अभी मैं आपको की वैल्यू सिखाता हूँ कि की वैल्यू कैसे आप एक्सेस करेंगे, उसके लिए हम लोग इसको चेंज करेंगे, एग्जांपल नंबर हम लोग 11 देखेंगे, ये हमें नहीं चाहिए, तो मैं क्विकली लिख लेता हूँ। छोटा सा फंक्शन है हमारा, देखिए फंक्शन मैंने छोटा सा लिखा हुआ है, डेटा हमारा एक डिक्शनरी है और इसको मैंने एक डिक्शनरी के तौर पर पास किया है, जिससे कि हमारा इसका जो की है जो कि डेटा ही है, दोनों का नाम सेम रखा था, कंफ्यूज नहीं होना, आप यहाँ पर डी भी कर सकते हैं, इसका की बन जाएगा क्या डी, देन आगे जहाँ भी यहाँ लिखेंगे आप डी लिख के करेंगे, बट मैं डेटा ही इसको लिख देता हूँ बिकॉज मैंने जो एग्जाम्पल बनाया हुआ डेटा लिख कर ही बनाया, ताकि जब आपको ऐसा देखने को मिले तो आपका कॉन्सेप्ट वहाँ भी क्लियर रहे, क्योंकि लोग ऐसा लिखते हैं यहाँ आइडेंटिकल लिखते हैं ये वाला, ठीक है ना। अभी मुझे इसका की और वैल्यू दोनों चाहिए, तो कैसे होगा काम मेरा, उसके लिए हम लोग यहाँ आते हैं, ये पूरा हटा देता हूँ मैं। पहले हमारा जो डेटा आ रहा है मैं आपको वो दिखा देता हूँ, ये जो डेटा आ रहा है ये हमारा डिक्शनरी का डेटा, जिसका की है ये वाला डेटा, यानी कि डेटा आप इसको DT भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा बनेगा यहाँ का वेरिएबल। तो यहाँ हम लोग इसको प्रिंट कर लेते हैं DT, सेव कीजिए इसको, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे आप तो हमें ये मिल जाता है पूरा का पूरा। अभी मैं वापस इसको डेटा नाम कर देता हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एग्जांपल में एक्चुअली मैं ऐसा ही लिख दिया हुआ है, तो आपको कोड मिलेगा कुछ और मैं दिखाऊँ या कुछ और, तो ऐसे में आपका दिमाग हैंग हो जाएगा। बस इतना ध्यान में रखना है कि हमने जो यहाँ की लिखा हुआ है वही यहाँ वेरिएबल होता है, तो वही हमने लिखा हुआ है। सेव किया इसको, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारा ये सेम है आउटपुट है। तो हमें यहाँ आउटपुट में क्या मिल रहा है, हमें आउटपुट में ये वाला मिल रहा है, यानी कि डेटा डॉट नेम अगर हम लोग करें तो हमें राहुल मिल जाएगा, डेटा डॉट
रोल करें तो हमें 101 मिल जाएगा, बट हमें वो चाहिए नहीं। हमें चाहिए वैल्यू, तो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमें की भी चाहिए इस बार, यानी कि नेम और रोल भी चाहिए। तो कैसे करेंगे जी? फॉर लूप तो हमें चाहिए, तो कैसे करना है दिखाता हूँ। इसको मैं एक BR लगा देता हूँ, ये रहेगा हमारा, और हमें फॉर लूप यहाँ बजाना है। तो बजाते हैं फॉर लूप, ये हमारा फॉर हो गया। कीवर्ड यहाँ एक की लिखी है, की की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, वैल्यू लिखिए, वैल्यू की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, इन की जगह इन ही लिखना है, और डेटा लिखना है जो भी आप यहाँ वेरिएबल होता है वह यहाँ लिखना है, और डॉट देकर यहाँ आपको आइटम्स लिखना है, बस इतना ही लिखना है। इसमें से आइटम्स निकलेंगे एक एक करके, जो की होगा वह की में आएगा और जो वैल्यू होगा वह वैल्यू में आएगा, यानी कि इस वाले में की आएगा और इस वाले में वैल्यू आएगा। आप नाम चाहे जो मर्जी लिख लीजिए, इन दोनों को हम लोग वेब पेज में देखना चाहते हैं, इसके लिए यहाँ पर की लिख देते हैं और इक्वल देकर यहाँ वैल्यू लिख देते हैं, और इसको इंड भी करना पड़ेगा ना, तो %% और यहाँ पर एंड फोर। सेव किए, इसको सेव करने के बाद इसको रन करेंगे हम लोग, तो देखिए नेम इक्वल राहुल और रोल इक्वल 101। ऊपर वाला हटा देता हूँ, ये वाला जो है हटा देता हूँ, तो आपको क्लियर दिखाई देगा। देखिए इसमें हमें नेम की भी मिल रहा है, वैल्यू भी मिल रहा है, की भी मिल रहा है, वैल्यू मिल रहा है। अब आप इसको टेबल फॉर्मेट में दर्शाना चाहते हैं तो अपना दिमाग लगा लीजिए, डेटा तो हमें दिख रहा है ना, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये था एक सिंपल डेटा के लिए, जो हमने यहाँ पर देखा कि छोटा सा डेटा है हमारा, उस केस में ये हमारा होता है। अभी थोड़ा सा बड़ा डेटा हो, जो हमारा अभी था, अभी जो हमारा डेटा था बड़ा सा, डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी, तो उस तरह का अगर डेटा हो तो उस केस में हमारा कैसे काम होगा वह दिखाता हूँ। देखिए कोड मैंने लिखा, डेटा लिखा, इसका एक की है, इसका अपना वैल्यू, फिर इसका एक की है, फिर इसका अपना वैल्यू, फिर की, फिर इसका अपना वैल्यू, और मैंने यहाँ पर एक डिक्शनरी के फॉर्म में पास किया है डेटा। डेटा ये जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है सफ़ेद कलर में, ये डिक्शनरी है, और इस डिक्शनरी का की है ये वाला, और ये पूरा एक डिक्शनरी है जो कि पास हो रहा है, तो इसका की बनेगा यहाँ पर वेरिएबल, पता है ना सबको। इसको हटाता हूँ और यहाँ पर पहले आपको दिखाता हूँ कि डेटा में हमें क्या मिल रहा है। सेव कीजिए। मैं ऐसा क्यों दिखाता हूँ, ताकि आप अपना जो कोड, जब कोड लिखेंगे तो आप एग्जामिन कर पाएंगे कि डेटा में हमें क्या मिल रहा है, तो पहले वो चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे काम करेंगे। तो डेटा में हमें ये सारी चीज़ें मिल जा रही है। अब मुझे पता है कि मुझे STU1 अगर मैं पकड़ूंगा तो मुझे इसका वैल्यू मिल जाएगा, STU2 पकड़ूंगा तो मुझे इसका वैल्यू मिल जाएगा, फिर जब इसका नेम पकड़ूंगा तो मुझे सोनम मिल जाएगी, जो कि मिलेगी नहीं, फिर अगर रोल लिखूंगा तो मुझे 102 मिल जाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं पकड़ने की तरीके हैं, आपको डिपेंड नहीं रहना है किसी पर भी, या गूगल पर कोई आपको आके बताएगा कि इस तरीके से होता है, तब जाके आप कीजिएगा तो हो गया प्रोग्रामिंग। तो फोर बताता हूँ कि आप नेस्टेड लूप कैसे इसमें लगाएंगे और कैसे सभी कुछ निकालेंगे। %% किया, फोर किया, यहाँ पर मैं की लिख रहा हूँ, की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, वैल्यू की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, इनमें से इन करना है क्या, डेटा डॉट आइटम्स के, डेटा डॉट आइटम्स। इसमें से अगर मैं की अभी देखूं और इसमें मैं PR लगा देता हूं और इसको मैं इंड कर देता हूं, इंड तो करना ही पड़ेगा, हालांकि नेस्टेड लगाना है मगर फिर भी हमें इसको इंड तो करना ही पड़ेगा, एंड फोर किया। अभी मुझे कीज़ इसमें से सिर्फ मिल जाएगी, लेकिन क्या मिलेगा वही तो देखना है। रिफ्रेश किया, देखिए STU1, STU2, STU3, STU4 हमें मिल जाता है। अभी इसके अंदर का वैल्यू भी हमें मिल जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें STU1 को हमने पकड़ लिया, अब STU1 पकड़ने के बाद उसका वैल्यू एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर से ये लग गया हमारा वैल्यू, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ इक्वल, सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए हमें क्या देखने को मिलता है। देखिए STU1 में ये डेटा, STU2 में ये डेटा, STU3 में ये डेटा, STU4 में ये डेटा, ये हमें देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं और एक नेस्टेड फोर लगाते हैं, ये हमारा हो जाएगा फोर। यहाँ हम लोग सिर्फ के लिखेंगे, वी लिखेंगे, और इन वैल्यू, जो वैल्यू में हमारा जो एक
वैल्यू में क्या आ रहा है, वैल्यू में एक डिक्शनरी आ रहा है, तो उसमें से आइटम्स निकालेंगे। उसमें से जब आइटम निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, उसमें से जब आइटम निकालेंगे, इसमें से अगर मैं आइटम निकालूँ तो मुझे नेम मिलेगा की में, राहुल मिलेगा वैल्यू में, फिर रोल मिलेगा की में और वैल्यू में मिलेगा 101 जो कि के और वी में आएगा। फिर के और वी को हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले कर लेंगे। मेरी बैटरी जो है वो डाउन हो गई और मेरा आवाज़ जो है कम होता जा रहा। ओके तो कोई बात नहीं, अभी ये ख़त्म ही होने वाला है। तो के और वी हमने लिख दिया, बाकी इसका भी हमें इंड करना पड़ेगा। तो परसेंट परसेंट और इंड फोर, सेव कर दीजिए इसको। सेव करने के बाद ये हटा देता हूँ, रहने दूँ, हटा दूँ, रहने दूँ, रहने देते हैं, रहने देते, देख लेते हैं आउटपुट कैसा दिखता है, उसके बाद मैं हटा दूँगा। ये हमारा ऊपर वाला है, देन यहाँ नो नेम रोल, ये हमें कन्फ्यूज़ कर रहा है, ये वाला हटा देते हैं और यहाँ पर एक बी आर लगाते हैं। सेव किया, सेव करने के बाद अभी देखिए रिफ्रेश किया तो नेम हमें मिल गया राहुल, रोल मिल गया, फिर नेम, फिर राहुल, फिर नेम रोल, नेम रोल मिल रहा है हमें। अगर मैं यहाँ पर, यहाँ पर सिर्फ की लगा दूँ तो इसमें आपको एक चीज़, एक और फ़ायदा मिलेगा कि आप इसको देख पाएंगे ठीक तरीके से। बस यहाँ बी आर लगाना पड़ेगा। सेव किया इसको, सिर्फ की मैंने डिस्प्ले किया, पर मुझे वैल्यू डिस्प्ले कर लेना चाहिए। की डिस्प्ले किया तो मुझे पता चलेगा कि इस की के लिए ये दोनों थे, फिर इस की के लिए ये दोनों थे, फिर इस की के लिए ये दोनों थे, फिर इस की के लिए ये दोनों थे। आप वैल्यू को भी डिस्प्ले करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से पता चलेगा। जैसे जैसे देखिए दिखाता हूँ, यहाँ वैल्यू लिखा, सेव लिखा, फिर से हमने वही किया, बस एक बी आर लगा दिया नीचे, कोई बात नहीं। देखिए एच टी यू में ये था पूरा, तो इसमें से हमने निकाला ये दोनों, फिर इसमें से हमने निकाला ये दोनों। मतलब अगर आप लाइन बाई लाइन पकड़ते जाएंगे ना फ्लो, कि पहले आप देखिए कि पहले जो आ रहा है उसमें से उसको प्रिंट करके देखिए उसमें क्या है एक्चुअली में, फिर उसके की को पकड़िए, फिर उसके की को पकड़िए, फिर उसके की को पकड़िए। एक बार ऐसा आएगा जब आप अपने वैल्यू तक पहुँच ही जाएंगे। तो ये तरीका है फोर लूप में काम करने का डीटीएल में। अब इसी में मैं आपको काउंटर दिखा देता हूँ, पेरेंट काउंटर जो हमारा बचा हुआ है लास्ट, ये हमारा कॉन्सेप्ट है इसका। तो उसके लिए हम लिखते हैं फोर, मैं इनर में लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, आउटर में नहीं लिख रहा हूँ। फोर लूप डॉट काउंटर, ये हमारा, सॉरी फोर लूप नहीं, फोर लूप डॉट पेरेंट लूप डॉट काउंटर होता है। ओके उसके बाद यहाँ रिफ्रेश कर सेव कीजिए। देखिए 1 1 2 2 ऐसे करके आपको दिखाई देगा। देखिए 1 1 के लिए ये था, फिर 2 2 के लिए ये था, फिर 3 3 के लिए ये था, फिर 4 4 के लिए ये था। बाकी ज़ीरो से चाहिए तो आप यहाँ ज़ीरो कर लीजिएगा, काउंटर ज़ीरो, फिर ये ज़ीरो इंडेक्स होकर आपको मिलेगा, फिर 0 0 1 1 2 2 3 3, फिर बाकी के जो थे फर्स्ट लास्ट और आरईवी काउंटर, फिर आरईवी काउंटर ज़ीरो, वो भी आप इसमें चेक कर सकते हैं, आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। ओके जी, तो ये है हमारा डीटीएल का क्रैश कोर्स, जिसमें मैंने आपको मैक्सिमम चीज़ें बता दी हैं। क्या मैंने आपको नहीं बताया है डीटीएल में, कि किस तरीके से आप, बहुत सारे टैग हैं और भी, कमेंट टैग होता है एक, आपका इंक्लूड होता है, देन आपका होता है यूआरएल, देन होता है आपका स्टैटिक, लोड, एक्सटेंड्स, ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं जिसमें आपको बहुत डीपली घुसकर सीखना पड़ता है। जो छोटे थे, जो बिगिनर लेवल के हैं, इतना आपको कम से कम पता होना चाहिए डीटीएल में। बाकी डीटीएल आप देख रहे हैं तो मे बी आप जेंगो सीख रहे होंगे, इसीलिए तो आपको वो कॉन्सेप्ट तो मिल ही जाएंगे जो मैंने अभी नाम लिया, एक्सटेंड्स, इंक्लूड, URL, स्टैटिक, लोड, ये सारे तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे धीरे धीरे। लेकिन एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन और बेसिक सा, आप ये इंट्रोडक्शन से कहीं ज़्यादा मैंने आपको बता दिया है, मगर फिर भी आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है डीटीएल में, कैसे आप वेरिएबल यूज़ करते हैं, कैसे आप वेरिएबल के साथ फिल्टर यूज़ करेंगे, कैसे आप फिल्टर के साथ आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करेंगे, कैसे आप इफ़ यूज़ करेंगे, इफ़ विथ कंडीशन, इफ़ विथ फिल्टर, इफ़ विथ ऑपरेटर्स, देन फोर कैसे यूज़ करेंगे, कैसे आप डॉट लुकअप देखेंगे, फिर कैसे आप कॉम्प्लेक्स डेटा जैसे नेस्टेड डिक्शनरी हो उसके साथ कैसे काम करेंगे, आपका लिस्ट रहेगा तो कैसे काम करेंगे,
और हमने फॉर लूप के कुछ प्रीडिफाइंड वेरिएबल्स भी देखे। तो इतनी सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा, और अब आप रुक गए थे मे बी डिटेल की वजह से कि मुझे डिटेल समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मेरा जेंगो रुक गया था। जो लोग बीच में एंट्री मार रहे हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ, तो उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको एक और एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ बताना चाहता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं कि HTML जो टेम्पलेट फाइल होता है उसमें इतना ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाते कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हमने फॉर लूप बना लिया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हमने इफ़ बना लिया। नहीं, वैसा नहीं किया जाता है। जो बिजनेस लॉजिक होता है, जो लॉजिक होता है, मेन लॉजिक होता है, उसको हम लोग यहीं पाइथन में ही सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद सिर्फ डेटा हमारा प्रिंट होने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर पास होगा, उसको हम लोग आराम से डिस्प्ले करेंगे। लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। कभी कभी क्या करना, कभी कभी आपको कॉम्प्लेक्स डेटा ही यहाँ पर भेजना पड़ेगा, देन यहीं पर आपको इस तरीके से बड़ा सा फॉर लूप या फिर बड़ा सा कंडीशन बनाकर लिखना ही पड़ेगा। तो वो डिपेंड करता है केस टू केस, बट दोनों ही केस में आप इसको आसानी से कर सकते हैं अचीव। अगर आपको पाइथन क्लियर है तो आप उसको यहीं पर सॉल्व कर लेंगे, और अगर आपने डिटेल वाला ये वाला वीडियो ठीक से समझा तो आप यहाँ भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपने क्या सीखा है, कितना सीखा है, कितना प्रैक्टिस किया है। मुझे लगता है कि ये क्रैश कोर्स के लिए इतना काफ़ी है, और मेरे पास इतना ही था, आई गेस मैंने इतना ही नोट करके रखा हुआ है। और ये पूरा कोड और पूरा एग्ज़ाम्पल जो है, मैं एक बार आपको पूरा एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ कि ये पूरा एग्ज़ाम्पल आपको कितना सारा है और कैसे इसमें आपको होशियारी थोड़ी सी करनी पड़ेगी इसको रन करने के लिए। देखिए, ये हमारा views.py फाइल है, आपको ये पूरा कोड मिल जाएगा। ये जो GS13 देख रहे हैं, ये पूरा फोल्डर ही आपको मिल जाएगा अगर आप डाउनलोड करेंगे हमारी वेबसाइट से। तो ये आपको पूरा इस तरीके से फाइल मिलेगा। ये example 1 हाईलाइट रहेगा, कमेंट नहीं रहेगा, बाकी सारे कमेंट है, जैसे example 2 कमेंट है। और इसी से example 2 के लिए आपको यहाँ पर टेम्पलेट फाइल में भी example मिल जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लिख दिया हुआ है, example 1 हाईलाइट करके यहाँ भी रखा हुआ है, बिकॉज यहाँ है हाईलाइट तो यहाँ भी है। बट जैसे आप example 2 को हाईलाइट करेंगे तो आपको ये example 1 कमेंट कर देना है, ठीक है, और यहाँ से example 2 को आपको हाईलाइट कर देना। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ कि आप ये जो कोड हमें डाउनलोड करेंगे इसका यूज़ कैसे करेंगे। अभी के लिए example 1 हाईलाइट है यहाँ भी, और example 1 हाईलाइट है हमारे टेम्पलेट फाइल में भी, तो हमारा कोई इशू नहीं है। इसको सेव करना है, सेव करने के बाद इसको अगर आप रन करेंगे तो आपको example 1 का जो भी आउटपुट होगा वह दिखाई देगा। अब मुझे नेक्स्ट एग्जाम्पल प्रैक्टिकल करना है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको पहले ये कमेंट करना है, ये views.py फाइल में जाना है और 3 कोट्स लिखने हैं, डबल कोट वाले 3 लिखने हैं, यहाँ लिखना है, फिर इसके नीचे यहाँ आकर लिखना है। ये हो गया, अभी ये हमारा कमेंट हो गया, लेकिन example 2 जो है हमारा, ये वाला कमेंट अभी भी है। इसके लिए आपको क्या करना है, ये वाला हटा देना और नीचे से ये वाला हटा देना, तो हमारा ये कमेंट से आउट हो जाता है। बट इसका इंडेंटेशन आपको ठीक करना पड़ेगा, इंडेंट आपको ये बैक करना पड़ेगा, शिफ्ट टैब दबाइएगा तो ये पीछे चला आएगा। अब इसका इंडेंट ठीक हो गया, इसको सेव कीजिए और यहाँ से इसको कमेंट कर लीजिए। इसको कमेंट करने के बाद देखिए, ये कमेंट टैग हमारा अभी दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने जेंगो का ये एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था इसी वजह से, बट कोई नहीं। ये हम लोग यहाँ से example 2 का कोड यहाँ से और यहाँ से हटा देंगे। ओके जी, इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद इसको रन कीजिए तो हमें example 2 का आउटपुट देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है तरीका। फिर इसी तरीके से आप example 2 को फिर से कमेंट कर दीजिएगा। आप example 2 कमेंट करने के लिए आपको फिर से 3 कोट्स लगाने पड़ेंगे ऊपर और 3 कोट्स लगाने पड़ेंगे नीचे, और कभी कभी इसको इंडेंट करना पड़ता है एक बार टैब प्रेस करके, ताकि ये 3 इन कोट्स के अंदर में रहे। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ मैंने सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक है, और यहाँ भी पूरा भरपूर एग्जाम्पल है। जैसे 3 है तो 3 से 3.1 है, 3.2 है, 3.3, 3.4, 3.5, तो 3.1 से लेकर 3.8 तक का एग्जाम्पल आपको example 3 से ही आपका मैच होकर आपको आउटपुट स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। उसी तरीके से 4.1 से लेकर 4.5 तक का आपको एग्जाम्पल इसी सेम example 4 फंक्शन से देखने को मिलेगा।
तो ये थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा ताकि आप इसका यूज़ कर सकें। ओके तो बस गाइस इतना ही है इस वीडियो के लिए, इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको DTL यानी कि जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी जो टैग्स हैं या फिर फिल्टर हैं वह मैं इस प्लेलिस्ट में आगे पढ़ाऊंगा। जैसे कि हम लोगों को टेम्पलेट इनहेरिटेंस पढ़ना पड़ेगा, तब हम लोग एक्सटेंड्स यूज़ करेंगे, हमें इंक्लूड भी यूज़ करना, हमें लोड भी यूज़ करना, स्टैटिक भी यूज़ करना। तो ये सारी चीज़ें बड़े बड़े टॉपिक हैं जो कि हमें हम लोगों को आगे पढ़नी है। तो अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो बाकी के जो टैग्स हैं और फिल्टर हैं वो सारे भी आपके कवर हो जाएंगे। बट सिर्फ जिनको डिटेल जानना था उनके लिए ये वीडियो काफ़ी है। प्लस मैं कोशिश करूँगा कि अगर मुझे वक्त मिलता है तब मैं डिटेल का एक अलग प्लेलिस्ट बना दूँ जिसमें हर एक टॉपिक डिटेल में मैं डिस्कस कर सकूँ। बट वह हम लोग करेंगे पूरा जेंगो ख़त्म होने के बाद, उसका अभी वेट नहीं करना है। या फिर मुझे समय नहीं मिलेगा तो शायद वो नहीं हो पाएगा, बल्कि इसी में मैं आपको कवर कर दूँगा सारा कुछ, जितना इम्पोर्टेंट रहेगा उतना। तो इस पूरे सीरीज़ को, जेंगो सीरीज़ को फॉलो कीजिए। नीचे वीडियो में पूरे प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर पूरे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। और गाइस रात हो गई है, लगभग 2 बजने वाले हैं और मुझे मेरा बैटरी कम्प्लीटली डाउन डाउन हो चुका है। तो इसको यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।